नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटनेट की इस लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फटाफट से आ जाइए और फटाफट से आगे जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपका जो अध्याय एक है संविधान क्यों और कैसे इसको जो है आज पढ़ने वाले हैं तो देर किस बात की फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आगे जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लो थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू सो मच चलो चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ फटाफट से आ जाओ फटाफट से आगे जो है इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए है ना चले तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ज्यादा वेट नहीं करेंगे है ना तो यहां किसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली तो यहां पर संविधान अगर मैं संविधान की बात करूं तो ये संविधान शब्द जो है आपने पहले भी सुन रखा होगा ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ये जो शब्द है संविधान इसको आप सुन रहे हो पहले कब सुना था आपने जैसा आप मैं कक्षा आठ की बात करूं तो वहां पर भी जो है संविधान नाम का एक चैप्टर है अगर आपको पता हो तो है ना भारतीय संविधान एक चैप्टर है भाई यहाँ पे और ये फिर से जो है आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो सर फिर से हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब क्लास, कक्षा में जो है हैं तो आप क्यों पढ़ रहे कक्षा आठ में जो चीजें पढ़ रहे थे आज जो कक्षा ग्यारहवीं में हो तो उसके लेवल में डिफरेंस होगा कक्षा आठवीं का जो है उस हायर लेवल का नहीं होता कुछ जो चीजें हैं बेसिक चीजें बताई जाती हैं आपको तो उस बेसिक का जो एक एडवांस वर्जन है वही जो है आपको इसमें बताया जाएगा हुआ हु। संविधान आपको जो है कहीं ना कहीं जो शब्द है आपको मिल जाएगा। अगर आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हो राजनीतिक तो तो बारे में जो हम बात करेंगे, संविधान क्यों जरूरी है संविधान कैसे बना क्या थी इसकी हिस्ट्री इतिहास क्या है इसका तो सबसे अच्छी बात क्या होती है आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं अच्छी बात क्या होती है कि आपस में ना ये जुड़े हुए होते हैं आप ना किसी को भी ऐसे अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते और पढ़ रहे हो तो फिर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो है ना अब जैसे मैंने बोला कि देखो इतिहास का भी जो जो ये संविधान है इसका भी अपना एक अलग इतिहास रहा है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा इतिहास के बारे में बात करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं हम इतिहास पढ़ के संविधान का इतिहास पढ़ के हम राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे हम राजनीतिक शास्त्र को समझने की जो है कोशिश करेंगे तो थोड़ा जो है पर क्या करना है आपको चीजों को जो है थोड़ा सा कनेक्ट करते रहना है और जल्दी जल्दी, जल्दी आप डेली कोशिश करूंगा डेली ही लेक्चर मैं कल भी लेक्चर लाऊंगा परसों भी लाऊंगा है ना और एक काम करेंगे हम ये पूरे लेक्चर को लाके हम इसे मर्ज करके वन शॉट बना देंगे आपका है ना तो छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं एक एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाऊंगा चैप्टर से रिलेटेड क्लियर है या नहीं है फटाफट से बताओ जल्दी से फटाफट से बताओ हाँ हाँ ना जल्दी से बोलो अच्छा अब बात कर लेते हैं संविधान की संविधान की बात कर लेते हैं चले तो संविधान की हम बात करें तो इसको ना हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं एक एक हम, एक विषय हम आप बोल सकते हो उदाहरण के तौर पर लेते हैं मान के चलिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो क्रिकेट मैच बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे जो भी मेरे को देख रहे हैं बहुत सारे जो लोग हैं क्रिकेट खेलते होंगे बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे अच्छा आप क्रिकेट खेल रहे हो अब सोच के देखो क्रिकेट एक ऐसा गेम हो रहा है ऐसा गेम खेल रहे हो आप जिसमें कोई भी नियम कानून नहीं है नियम कायदे है ही नहीं उसके पता चले तुमने बाउंड्री पार कर दी तो तुम्हें चार के बदले तीन रन मिलने हैं जिसका बैट है वो कह रहा है नहीं नहीं मेरी बाउंड्री है तो मैं छह रन लूंगा और तुम्हारी बॉल है तुमने बोल दिया कि भाई अगर टप्पा खा हम माथे में ले लेते हैं तो आउट माना जाएगा मतलब जिसका बैट था और जिसकी बॉल थी सिर्फ उसी की चल रही है वो अपने हिसाब से जो नियम कानून बना रहा है सब अपने हिसाब से चल रहे हैं भाई थोड़ा थोड़ा जो हट्टा कट्टा था उसने बोल दिया कि भाई मैं बैटिंग पे पहले जाऊंगा मैं फील्डिंग नहीं करूंगा तो सोच के देखो ऐसे गेम में जो है ऐसे खेल में सब अपने हिसाब से दौड़ रहे हैं सब अपने हिसाब से भाग रहे हैं तो ऐसे गेम चल पाएगा ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा चलो एक उदाहरण और लेता हूं मैं आपके स्कूल का ही उदाहरण लेता हूं मैं आपके स्कूल में अगर कुछ बच्चों के प्राइवेट स्कूल होंगे कुछ बच्चों के अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं आपके स्कूल में भी हर चीज का कायदा होता है कि गर्मियों में स्कूल जल्दी खुल जाते हैं सर्दियों में थोड़े लेट खुलते हैं सर्दियों में नौ दस ग्यारह बजे का टाइम हो जाता है और वही मैं बात करूं गर्मियों में तो सात साढ़े सात आठ बजे तक जो आपको स्कूल में पहुंचना होता है चाहता है स्कूल में ये होता है फिर आप जाते हो स्कूल में बैग रखते हो क्लास में प्रेयर होती है प्रेयर में सभी बच्चों को जो है खड़ा करवाया जाता है उनसे प्रार्थना करवाई जाती है फिर टीचर कुछ टीचर जो होते हैं फिर प्रिंसिपल आपके होते हैं लेक्चर देते हैं आपको मोटिवेट करते हैं अच्छी बातें बताते हैं ताकि आपकी बुद्धि में आपकी बुद्धि का आपके विवेक, विवेक का विकास हो है ना आपके विवेक का विकास हो तो ये सब लगता है, उसके लंच होता है कोई बच्चा शोर नहीं बचाएगा टीचर को कम से कम चालीस मिनट तक पढ़ाना है आपके स्कूल से संबंधित जो भी कानून है वो है ना सबको फॉलो करने है बच्चों को ही नहीं सबको इवन टीचर्स को भी जो है वो चीजों को फॉलो करना है तभी बात बनेगी समझ रहे हो तो ये सब क्या है भाई ये सब रूल्स रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे अब नहीं करोगे सोच के देखो बच्चे आ रहे हैं बारह बजे आठ बजे का टाइम था बारह बजे आ रहे हैं सोच के देखो पहले पीरियड से ही लंच करना शुरू कर दिया तीन बजे छुट्टी होती है दो बजे निकल ले दो बजे निकल निकलने तो अब एक बात बताओ ये सब ऐसा चलेगा तो स्कूल चल पाएगा स्कूल का जो पूरा प्रशासन जो है पूरा का पूरा अगर ये इस तरीके से काम कर रहा है और कोई रोक टोक नहीं है तो चल पाएगा नहीं चल पाएगा तो कहने का मतलब क्या है भाई कि आप कहीं भी काम करो एक्स वाई जेड आपको उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ आपको नियम कानून नियम कायदे जो है बनाने पड़ेंगे है ना अब हम बात कर लेते हैं थोड़े बड़े स्तर की अब हम पूरे देश के स्तर की बात कर लेते हैं अब सोच के देखो देश में कोई भी कानून वगैरह है ही नहीं सोच के देखो एक दिन के लिए ऐसा बोल दिया जाए कोई भी नियम कानून नहीं है एक दिन के लिए संविधान चलेगा ही नहीं भाई साहब यहां पर लोग मारने मुन्ने पर अगर यहां पर सरकार ने बोल दिया तो सब अपने हिसाब से चलने भाई जिसके पास ताकत होगी वो क्या करेगा भाई वो लोगों को सताएगा परेशान करेगा कितने अगर एक दिन का भी ऐसा बोल दिया जाए ना कि एक दिन के लिए संविधान लागू नहीं होगा देश में जिसको जो करना कर सकता है तो एक दिन में कम से कम करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी इसमें लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे भारत में तो पॉपुलेशन वैसे भी ज्यादा है कितने क्राइम्स होंगे आप सोच भी नहीं सकते है ना तो अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान था क्या क्या है संविधान समझ में आया कुछ ये बताओ पहले ऐसा तो नहीं ऊपर से निकल लो पहले बताओ मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ रहा हूं कुछ भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा यह बताओ पहले है ना तो संविधान का मतलब क्या होता है सर्वोच्च कानून जिसको पूरे देश को मानना ही पड़ेगा भाई पूरे देश को चलाने के लिए जिसे किताब का इस्तेमाल हो रहा है उसको क्या बोल दिया संविधान बोल दिया मतलब क्या होता है विधान मतलब कानून सम सर मतलब सर्वोच्च सर्वोच्च एक कानून जिसको जो है पूरे देश में रहने वाले हर नागरिक को सरकार को चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो चाहे आम नागरिक हो चाहे वो अंबानी क्यों ना हो हर किसी को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा उसको उसकी बात को मानना पड़ेगा उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा तो ऐसी ही किताब को हम क्या बोल देते हैं संविधान बोल देते हैं समझ में आ गया तो अगर जैसे आप बात करोगे तो ये मैंने परिचय थोड़ा बता दिया आप अगर पढ़ोगे आपके भी दे रखा है तो अगर हम बात करें तो संविधान है क्या बेसिकली संविधान है क्या तो यहां पर देखोगे एक कानूनन सर्वोच्च का वह दस्तावेज जिसमें जो है देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को जो है निरूपित किया जाता है मतलब एक ऐसा दस्तावेज है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है एक ऐसा दस्तावेज है दस्तावेज है कि जिसमें जो भाई देश की जो जनता है जो रह रही है है उस देश में है ना या फिर उसकी सरकार ही क्यों ना हो वो इन नियमों का पालन करेगी भाई जो भी नियम और अधिनियम लिखे हुए हैं रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं नियम मतलब रूल्स और रेगुलेशन किसी चीज को रेगुलेट किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं अधिनियम बोल देते हैं रूल्स रेगुलेशन को जो यहां पर निरूपित किया जाता है मतलब वहां पर उसको डाला जाता है समझ में आ गया आई होप आपको संविधान का जो मतलब है वो क्लियर हो गया होगा पक्की बात है हाँ बेटा इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे एक ही इंसान है कितना पढ़ाएगा है ना तो संविधान का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा एक सर्वोच्च दस्तावेज है इसमें जो है देश की जनता सरकार द्वारा पालन किए गए किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है जो भी जनता या सरकार जिन नियमों का पालन कर रही है उसको जो है इस किताब में इस दस्तावेज में जो है डाला जाता है निरूपित किया जाता है बस यही है संविधान की डेफिनेशन ठीक है ना अच्छा अब बात कर लेते, लेते हैं क्या इतिहास है रहा है हमारे संविधान का आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा अच्छा हम बात करें तो सबसे पहले संविधान की जो कल्पना किसने की संविधान सभा की जो है कल्पना किसने की थी कि हाँ हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए और वो जो सभा होगी वो क्या करेगी वो संविधान का निर्माण करेगी तो ये किसने किया था सबसे पहले तो सबसे पहले किया था उन्नीस में एम एन रॉय जी ने इन्होंने क्या बोला था कि भैया हमारे देश का संविधान होना चाहिए और संविधान का निर्माण कौन करेगा संविधान सभा जो है इसका निर्माण करेगी तो सबसे पहले कल्पना किसने की थी उन्नीस में ये एक सजेशन किसने दिया था ये एम एन रॉय ने दिया था ठीक है क्लियर हुआ जल्दी तो से हा है ना क्लियर हुआ ना अरे आपस में बात मत करो आपस में जो है बात मत करो प्लीज समझा करो समझ में आ गया तो हुआ क्या फाइलें सुनो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है 9 दिसंबर 1946 को यहां पर संविधान सभा की बैठक होती है संविधान सभा की जो है यहां पर बैठक होती है संविधान सभा की हम बात करें तो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो इसमें जो है करीबन तीन सौ नवासी जो है संविधान सभा की पहली मीटिंग कब होती है तो भाई नौ दिसंबर उन्नीस में और यहां पर तीन जो है लोग थे इसमें कुछ जो लोग थे वो राजा रजवाड़े थे प्रिंसली स्टेट से थे जो राजा रजवाड़ों की रियासतें वहां से थे और कुछ जो लोग थे वो जो ब्रिटिश प्रोविंस है यानी कि जहां पर जो अंग्रेज जो है राज कर रहे हैं वहां से थे फटाफट से बताओ बताया ना क्लियर हुआ या नहीं हुआ कुछ ब्रिटिश थे और कुछ जो है यहां पर राजा रजवाड़ों की रियासतें थी जहां पर राजा रजवाड़े जो है यहां पर रूल किया करते थे वो थी तो यहां पर याद करना यहां पर दो जगह में बांटते हैं एक तो जहां पर जो ब्रिटिश है ब्रिटिश यहां पर मतलब जो अंग्रेज रूल कर रहे हैं अंग्रेजों के कंट्रोल में वो डायरेक्टली जगह है वो तो वो थे एक और एक था भैया पर अंग्रेज जो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे थे बस ले था? था मतलब तो रियासतें बोल रियासते बोलते थे प्रोविंस है ना राजा रजवाड़ो की रियासतें हुआ क्या भाई हुआ यह कि भाई भारत का बंटवारा हो जाता है भारत से एक नया देश निकलता है पाकिस्तान तो आपको पता होगा कि पंद्रह अगस्त पंद्रह अगस्त तालीस को हम आजाद हो जाते हैं भाई आजादी मिल जाती है हमारी है ना उससे पहले ही जो है यहां पर संविधान सभा का गठन हो चुका था इसमें पाकिस्तान और भारत दोनों की जो है यहां पर प्रांत इन्वॉल्व थे इसमें। अभी पार्टीशन हुआ नहीं है हुआ हुआ क्या फाइनली भारत का विभाजन और होता क्या यहां पर यहां पर सिर्फ कितने लोग रह जाते हैं दो है ना दो जो लोग हैं वो रह जाते हैं और नब्बे लोग किसमें चले जाते हैं नब्बे लोग जो है यहां पर पाकिस्तान में अब कितने बचे अब संविधान सभा जो है हमारी और हाँ ये जो संविधान सभा थी इसको चुना गया था इसको जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना गया था जैसे हम बात करें हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है ना वैसे इनको भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना गया था प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे आगे जैसे ऐसे आप आओगे तो उसकी हम बात करेंगे लेकिन इन्हें जो है

तो ऐसे कुछ करके क्या होता है ऐसे करके जो है यहां पर आप बोलोगे 200, आ, दो सौ दो सौ नो लोग होते हैं ये क्या होते हैं भाई ये जो है यहां पर संविधान सभा में होते हैं और इनका काम क्या होता है इनका ही काम होता है भारत के संविधान की रचना करना है ना और यहां पर इस रचना करने के लिए अलग अलग कमेटीज बनाई जाती है मतलब होता है ना कि एक बहुत बड़ा काम है तो उस काम को बांट दिया जाता है अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में जो है हाँ बेटा खा लिया खाना हाँ खा लिया खा लिया अलग अलग हिस्सों में जो है यहां पर बांट दिया जाता है और जब होता है ना जैसे बड़ा कोई बड़ा काम है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देते हो आप तो यहां पर अलग अलग कमेटी बना दी गई इन अलग अलग कमेटियों का काम क्या था इन अलग अलग, -अलग समितियों का काम क्या था कि अलग अलग काम करना सबको काम बांट दिए और इसकी एक बहुत ही जो जरूरी समिति थी इंपॉर्टेंट समिति बहुत जरूरी कमेटी जो थी जिसका नाम था प्रारूप कमेटी प्रारूप समिति

तो इसके अध्यक्ष थे भाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर बी आर अंबेडकर है ना और इस प्रारूप समिति में टोटल सात लोग थे याद रखना और फाइनली क्या होता है भाई फाइनली थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं उसको और फाइनली आप देखोगे उन्नीस सौ उनचास छब्बीस नवंबर को तो हमारा जो संविधान होता है ये बनकर तैयार हो जाता है क्लियर हुआ है नहीं फटाफट से बताओ 26 नवंबर उन्नीस को हमारा जो संविधान जो होता है वो बनकर तैयार हो जाता है और जो टोटल मेंबर कितने थे दो थे इसमें से जो है इस सौ चौरासी जो लोग होते हैं वो हस्ताक्षर करते हैं मतलब उनका अप्रूवल मिल जाता है अब आप बोलोगे सर बाकी के गए तो बाकी के कोई बीमार हो गए थे और बहुत से जो लोग थे वो उनकी मृत्यु भी हो गई थी है ना कुछ की हेल्थ ठीक नहीं थी तो यहां पे दो चौरा सी जो लोग थे कुछ रिटायर हो गए थे तो यहाँ पे दो पे चौरासी लोगों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए मतलब अपना अप्रूवल दे दिया कि ठीक है संविधान बनकर तैयार हो गया और पूरे दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन लग गए दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन संविधान को बनने में और 26 नवंबर तो हम क्या बनाते हैं अपना संविधान दिवस भी मनाते हैं याद रखना छब्बीस दम, छब्बीस को हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं और कब से बनाना शुरू किया हमने तो ये दो से जो है बनाना शुरू किया है कि दो में, क्योंकि दो क्योंकि सोलह में क्या हुआ था दो में जो हमारे प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है इनकी 125वीं सौ पच्चीसवीं थी 125वीं जो है जन्म दिवस था इनका तो उसके उपलक्ष्य में जो है 2015 से हमने संविधान दिवस मनाना जो है शुरू कर दिया 26 जनवरी छब्बीस नवंबर को छब्बीस को है ना और संविधान लागू कब से हुआ तो छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को जो है क्या बोलते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं और यहां पर ही हमने क्या किया यहां पर ही हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद को जो है हमने भारत का पहला राष्ट्रपति जो है चुना अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर छब्बीस जनवरी को हमने क्यों नहीं किया है ना हम गणतंत्र दिवस छब्बीस जनवरी उन्नीस को क्यों मनाते हैं तो यही आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जब लाहौर सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी तो यहां पर क्या बोला गया था कि हम अपना जो गणतंत्र दिवस है हम अपनी आजादी जो है 26 जनवरी को ही मनाएंगे तो इसके लिए वेट किया गया है ना और लागू कब से किया गया 26 जनवरी 1950 सौ पचास हाँ इसको गणतंत्र दिवस क्यों बोलते हैं आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में अंतर क्या है मतलब हम स्वतंत्र हुए स्वतंत्रता दिवस अलग होता है स्वतंत्रता दिवस तो हम पंद्रह दिवस पंद्रह अगस्त को मनाते हैं गणतंत्र दिवस हम कब हैं? जनवरी को तो डिफरेंस क्या है तो गणतंत्र मतलब है? है, 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 है? है मतलब चुन के आया है इलेक्टेड है वो उस देश का जो सर्वोच्च मुखिया जो है स्टेट जो होता है उसे चुनकर भेजा गया है तो हमारे देश में सर्वोच्च क्या है सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का तो ये कहीं ना कहीं मतलब मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा कि डायरेक्टली चुनकर आते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये चुनकर आते हैं है ना तो हमारे जो हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है हमारे जो सर्वोच्च जो एक आप बोल सकते हो मुखिया है हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो और जब वो राष्ट्रपति हैं तो वो चुनकर आए हैं और चुनकर जो आते हैं मतलब जिस देश में कोई भी हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुनकर आया है उस देश को हम गणतंत्र तो बोलते हैं तो हमारे देश में जितने भी ऊंचे पद है जैसे हम बात करें राष्ट्रपति की बात करें प्रधानमंत्री की बात करें इन्हें जनता चुनकर भेजती है राष्ट्रपति को खैर नहीं भेजती लेकिन जनता प्रधानमंत्री को चुनकर भेजती है और राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव तो हो रहा है ना उनका तो इसको हम इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसलिए हम बोल देते हैं भारत इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री एक गणतंत्र राज्य हमारा और तभी हम क्या करते हैं भाई तभी हम जो है छब्बीस जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाते हैं तो ये क्या है भाई ये है हमारी हिस्ट्री ये हमारी हिस्ट्री थी संविधान की इतना क्लियर हुआ से बता दो या ना जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बोलो 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 संविधान के मतलब समझ में आएंगे यह वह दस्तावेज है वह दस्तावेज है हाँ संविधान की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा लिख लो थोड़ा सा लिख लेते हैं यहां पर <coughs> यह थोड़ा काट दिया है। यह है वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों के रूप न्रु, न्रु, आ, को जो है निरूपित किया गया है यही है बेसिकली क्लियर हुआ चलिए बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं ऑल क्लियर चलिए बहुत अच्छी बात है अब बात कर लेते भाई संविधान का जो हमने वर्गीकरण कैसे किया हमने संविधान को कैसे कैसे बांटा है? किस किस तरीके का जो है संविधान होता है इसका वर्गीकरण हमने कैसे किया है उसकी पे, उस पर जो है थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं कि किस किस तरीके से हमने जो है संविधान को बांटा है तो थोड़ा सा आ जाओ एक होता है भाई लिखित लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान लिखित संविधान और अलिखित संविधान लिखित संविधान क्या होता है तो यहां पर क्या लगा ऐसा कानून जो किताब के रूप में जो है संहिताबद्ध और यहां पर संकलित है इसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम लिखे संविधान बोल देते हैं अच्छा यहां पर दो टर्म का यूज हुआ है एक संहिताबद्ध और दूसरा संकलित संहिताबद्ध को हम बोलते हैं कोडिफाइड मतलब एक ऐसा देश जहां पर जो, जो संविधान जो है यहां पर चीजें जो स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है ऐसा नहीं है कुछ भी तुमने बीच में डाल दिया जैसे आप देखोगे कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट थ्री में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट फोर में मतलब हर चीज जो है आपको तरीके से मिलेगी जैसे आप किताब पढ़ते हो कोई तो उसमें पूरा इंडेक्स दे रखा होता है चैप्टर होता है सब टॉपिक्स होते हैं टॉपिक्स होते हैं तो यहां पर एक पूरी तरीके से चीज होती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं संहिताबद्ध क्विफाइड एकदम क्वारीफाइड वर्जन में और दूसरा यहां पर बात हो रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना क्या है मतलब एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट है पूरा मतलब एक बारी बन के तैयार हो गया है और एक कंपाइल्ड जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो एक पूरा दस्तावेज दिया गया है जिसको पूरे देश के इसके हिसाब से चलना है वो है

अरे बेटा आपस में बात मत करो आपस में बात मत करो ठीक है हाँ तो अगर हम बात करें यूएसए का तो यूएसए का संविधान सबसे पुराना है सत्रह सो नवासी में मन के जो है तैयार हो गया था और हाँ कोई अगर बोले कि सबसे बड़ा संविधान किसका है सबसे लार्जेस्ट वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन तो वो भारत का है भारत का नंबर वन पर है ना तो भारत का और यूएसए की हम बात करें तो ये लिखित संविधान है सबसे पुराना संविधान किसका बोला जाता है यूएसए का बोला जाता है अच्छा अब बात कर लेते हैं अलिखित संविधान की तो यहां पर क्या भाई यहां पर जो है यहां पर आप बोल सकते हो संहिताबद्ध और संकलन की जो है कमी है ठीक है मतलब यहां पर क्या है बेसिकली यहां पर होता यह है कि विद द फ्लो मतलब होता ना, है ना बोलते हैं कि अलिखित मतलब संविधान मतलब क्या होता है जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखोगे ब्रिटेन तो ब्रिटेन में कोई भी प्रॉपर आप देखोगे पूरा संविधान नहीं है यहां पर क्या होता है भाई से जैसे इन्हें जरूरत पड़ी किसी भी किसी भी रूल्स रेगुलेशन की तो इनकी जो इनकी जो पार्लियामेंट होती है इनका जो इनका जो संसद होता है बेसिकली वो इतना पावरफुल है तो उसे कोई भी चीज ऐड करनी होती है डाल देता है है, देता है 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 उसमें उसमें हटानी होती हटा तो यहां पर कोई वैसा नहीं है बेसिकली कोई एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इनका कि उसके हिसाब से चलना ही चलना है है ना वो जो है अपने हिसाब से जो है लोग चेंज कर लेते हैं उसे तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको हमने जो है अलिखित संविधान बोल दिया ठीक है आगे बात करें तो देखो आगे यहां पर बात कर लेते हैं और संविधान के हम अगर वर्गीकरण करें तो इसे अधिनियमित संविधान और विकसित संविधान अधिनियमित संविधान क्या होता है तो देखो ऐसे संविधान जिसका जो है निर्माण एक विशेष संस्था द्वारा किया गया तो हमारा संविधान कैसा है तो हमारा संविधान जो है वो एक अधिनियमित संविधान है अधिनियमित संविधान मतलब हमारे संविधान को किसने बनाया है भाई? तो हमारे संविदान को संविदान ने बनाया है है ना तभी तो बात हो रही है कि यहाँ पर एक ऐसा संविधान जिसका निर्माण जो है एक विशेष संस्था द्वारा किया गया है तो हमारा जो जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया है तो ऐसे संविधान को हम क्या बोल देते हैं अधिनियमित संविधान बोल देते हैं और एक निश्चित समय अवधि के दौरान भी किया गया है मतलब हमारा संविधान जो है दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन में बनकर जो है तैयार हो भी गया है और दूसरे टाइप का होता है विकसित संविधान ऐसा संविधान का निर्माण जो एक विशेष संस्था द्वारा नहीं किया जाता मतलब जैसे ब्रिटेन है ना ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है ब्रिटेन में तो मैंने बताया जैसे कुछ भी चेंज करना होता है कर देते हैं उनका कोई प्रॉपर संविधान जब बनाया गया था तो ऐसा कुछ था नहीं कि भाई यहां पर एक इसे फिक्स एक अवधि में बनाना चाहिए या फिर कोई संस्था बनाएगी इनकी पार्लियामेंट जो है बहुत ताकतवर है भाई जो है अपने हिसाब से जो है चेंज करती रहती है उसमें ठीक है तो इनका जो है विकसित संविधान है मतलब ये क्या करते हैं ये जो है मतलब जैसे समय के अनुसार समय के अनुसार जो चीजों को बदलते रहते हैं समय के अनुसार चीजों को बदलते रहते हैं मतलब क्या हुआ इसका मतलब आज जो चीज चल रही है क्या पता पचास साल बाद ना चल रही हो होता है ना कि चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ कि बदलाव जो है आपकी जिंदगी का हिस्सा है और जब आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो दिक्कत हो जाएगी तो ऐसे हमारा संविधान है कि क्या पता जो चीजें चलती हूं आज से सा पचास साल पहले अब ना चल रही हूं तो भाई आपको संविधान में बदलाव तो करने पड़ेंगे संविधान में आपको बदलाव तो करने ही करने पड़ेंगे ना तभी क्या बोला है इसमें तभी जो यहाँ यहां पर विकसित संविधान है और ऐसा नहीं कि भाई हमारा भारत जो है है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो भारत है ये इसमें कुछ बदलाव नहीं होते भारत जो है दोनों का समन्वय है भारत जो है वो दोनों का समन्वय है और हम बात करें एक, एक तरीका और होता है एक, एक वर्गीकरण और कठोर संविधान और एक लचीला संविधान लेना आप अगर लिखो एक कठोर संविधान एक लचीला संविधान की लचीले की हम बात करें, आप आसानी पहले मान के चलो, चलो तो सत्तर साल हो गए और सत्तर साल में ऐसे बहुत सारी नई चीजें भी हुई हैं तो भाई टाइम, टाइम टू टाइम जो है हमें बदलना भी पड़ेगा है ना तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्हें चीज पता थी तो उसके भी अलग अलग जो है कानून बनाए अब यहां पर कठोर क्या होता है तो कठोर में होता यह है कि जैसे कोई भी अगर आप कानून बना रहे हो या फिर कोई भी संविधान में अगर आपको बदलाव करवाने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको काम, आपको करीबन दो तिहाई जो बहुमत चाहिए पचहत्तर परसेंट लोग बात करें यूएसए की तो यूएसए का बहुत कठोर है और ब्रिटेन की बात करें ब्रिटेन का लचीला है ये तो बदल लचीलाते हैं जमानता है और भारत की हम बात करें तो भारत जो है दोनों का समन्वय है दोनों का मिक्सचर है भारत समन्वय है दोनों का मतलब भारत का भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जो आपको पचहत्तर परसेंट चाहिए होगा कुछ चीजें ऐसी जिसमें बहुत कठोर है, कुछ चीजें ऐसी वोटिंग भारत, भारत की हम बात करें तो दोनों का एक मिक्सचर है दोनों का समन्वय है समझ में आ गया चलिए आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी तो मैंने बताया आपको हमारा जो संविधान था कब बन के तैयार हो गया तो हमारे संविधान जो है दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन में जो है बन के तैयार हो गया कब लागू कब हुआ था भाई है ना लागू कब हो गया था छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ बन के तैयार कब हो गया था तो यहां पर छब्बीस नवंबर उन्नीस है ना और इस दिन को हम संविधान दिवस में मनाते हैं ये सब बता दिया हमने ये सब जो है हमने आराम से पढ़ लिया था ठीक है क्लियर हुआ या नहीं हो फटाफट से बताओ तो अगर हम आगे बात करें आगे हम बात करें तो यहां पर पूरे संविधान की बात करें संविधान को जो बहुत सारी कमेटियां मैंने बताया था ना अलग अलग कमेटी बनाई गई थी अलग अलग कमेटी ने मिलकर जो अलग अलग चीजों को यहां पर देखा परखा पूरी दुनिया के जितने भी दुनिया भर के जितने भी संविधान है उन सबसे थोड़ा थोड़ा आइडिया लिया और उन सबको मिला के जो है यहां पर हमारे देश पे क्या सूट करता है हमारे देश पे क्या चीज जो है, है? उसके हिसाब से है तो सबसे पहले हम क्या देते हैं भाई इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है उसको हम संविधान की भाषा में प्रेम्बल बोल देते हैं इसमें संविधान के बारे में मोटा मोटा लिखा होता है और हम बात करें आगे इंडेक्स दे रखा होता है समझ में आ गया इंडेक्स दे रखा होता है तो इंडेक्स में क्या होता है जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे आप अपनी किताब खोलोगे तो पहला पेज आता है इंडेक्स का और इंडेक्स में क्या होता है पूरे चैप्टर्स दे रखे चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर थ्री उन चैप्टर्स के आगे उन चैप्टर में जब पढ़ोगे तो उसमें टॉपिक्स होंगे और कुछ सब टॉपिक्स होंगे तो ऐसी हम बात करें अपने संविधान की तो उसमें क्या होते हैं इसमें आर्टिकल्स होते हैं इसमें भाग होते हैं अनुच्छेद होते हैं कुछ अनुसूचियां होती हैं ये सारी चीजें होती हैं तो हम बात करें तो भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं तीन सौ पिचानवे आर्टिकल्स हैं, कितने भाग हैं कितने पार्ट्स हैं, तो बाईस पार्ट्स हैं, और कितने शेड्यूल हैं, तो बारह शेड्यूल हैं, इतना होप आपको क्लियर हो गया होगा लेकिन अगर आप देखोगे कहीं तो आपको बहुत जगह मिलेगा चार सौ अड़तालीस आर्टिकल्स पच्चीस पार्ट्स और बारह शेड्यूल ऐसा क्यों है भाई तो देखो यहां पर होता क्या है वैसे कि देखो समय के हिसाब से जो है चीजें जो यहाँ पे बदलती रहती हैं, है ना जैसे कोई भी देश जो है अब बोलते हैं ना कि जो चेंज होता है जो बदलाव जो होता है वो एक लाइफ का बहुत जरूरी हिस्सा होता है और कोई भी देश जो है उस, उस बदलाव के साथ नहीं चलता तो बहुत पीछे रह जाता है और ये बात जो थी हमारे संविधान निर्माताओं को भी पता थी भाई हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्हें सारी चीजें पता थी तो होता क्या है समय के अनुसार जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुरानी हो जाती बदलना भी जरूरी होता है कुछ चीजों को हटाना जरूरी होता है तो ऐसे तो टोटल कितने है भाई? वैसे तो तीन सौ पचानवे थे लेकिन अगर आप देखोगे वैसे मतलब तो टोटल जो नंबर 448 के पार 448 अब होता क्या है देखो जैसे मान लो आर्टिकल 21 है अनुच्छेद इक्कीस है मान के चलो है ना अब कोई भी बदलाव होगा कुछ भी चीज डाली जाएगी तो यहां पर उसको सब पार डाल, अनुच्छेद में डाल दिया और कुछ और बदलाव में डाल दिया नंबर कितना रहेगा नंबर तीन सौ पिचानबे रहेगा लेकिन आप टोटल देखोगे जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह हुए जो भी संशोधन हुए हैं तो वो वो मिला के जो है आपको 448 बैठेंगे और ऐसे में बात करूं भाग की भाग कितने थे 22 अब मानी चलो आपकी किताब के 22 चैप्टर थे अब कुछ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो यहां पर कुछ नई चीजें आ गई तो सरकार ने बोला कि भैया सिलेबस में तीन चैप्टर और ऐड कर देते हैं तो यहां पे वही हुआ कुछ नई चीजें आ गई तो यहां पर दो दूसरे भाग हैं वो ऐड कर दिए गए तो यहां पे तीन और ऐड हो गए तो अभी पच्चीस भाग हैं लेकिन यहां पर वही हुआ हिसाब किताब तो भाग ए भाग दो भाग तीन तो यहां पर के पच्चीस वैसे नंबर तो और शेड्यूल की बात करें अनुसूचियों की बात करें हम तो बारह आठ से बढ़ के बारह हो गई तो ये याद रखना आप थोड़ा इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है जिसमें ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको ठीक है क्लियर और एक चीज बताता हूं मैं कि संविधान के वर्गीकरण की बात कर रहे थे अगर लास्ट क्लास की बात हो सं, संविधान की वर्गीकरण की तो संविधान के वर्गीकरण की बात करें तो दो तरह के संविधान थे है ना बहुत सारे तरीके की बहुत सारे तरीकों की की हमने बात और एक तरीका जो बताना भूल गया था वो भी था कि हम किन और तरीकों से जो है संविधान का वर्गीकरण कर सकते हैं तो एक था भाई संघात्मक संघात्मक और दूसरा एकात्मक संघात्मक और एकात्मक अच्छा संघात्मक मतलब क्या होता है तो एक ऐसा संविधान जहां पर उस संविधान में किस तरीके की सरकार होगी एक ऐसी सरकार जहां पर सत्ता की साझेदारी होगी जो केंद्र होगा वो राज्यों के साथ में जो है सत्ता की साझेदारी करता है और जहां पर जो केंद्र के पास जो शक्तियां होती हैं और जो राज्य के पास शक्तियां होती हैं वो संविधान में लिखी हुई होती हैं। लेकिन एकात्मक सरकार में जो ताकत जो होती है किसके पास होती है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है या तो यहां पर राज्य सरकारें नहीं होंगी या फिर होंगी भी तो वो केंद्र के अंडर में काम करेंगी लेकिन संघात्मक सरकार की हम बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है ना संघात्मक जो संविधान जो होगा उसमें भी लिखा होगा कि राज्य की जो शक्तियां हैं वो लिखी होंगी सूचियों में और जो केंद्रीय शक्तियां हैं वो में लिखी होंगी कोई किसी के बीच में जो है दखलंदाजी नहीं देगा तो हम एक तरीके का वर्गीकरण उस दिन करना भूल गए थे तो ये भी जो है याद रखना ठीक है आज हम किसके बारे में बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि हमें संविधान की जो आवश्यकता क्यों है क्यों है हमारे हमें संविधान की आवश्यकता बिना संविधान के काम नहीं चल सकता तो मैंने एक उदाहरण लिया था फुटबॉल का मैं आप क्रिकेट मैच का उदाहरण ले लो मान के सोच के देखो भाई कोई भी क्रिकेट मैच ऐसे खेल रहा है बिना किसी नियम का कायदे के लड़ाई होगी या नहीं होगी बनेगी आपस में किसी की जो ताकतवर होगा वो थोड़ा सा क्या करेगा कमजोर लोगों पे जो है अपना रुतबा जमाएगा जमाएगा तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है तो मैं चार पॉइंट्स लाया हूं आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं किताब के पॉइंट्स हैं उन पे जो है थोड़ा सा ध्यान देना क्लियर हो रही है चीजें नहीं हो रही फटाफट से बताओ या ना तो देखो संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है अच्छा ये तालमेल किस चीज की बात होती है ये तालमेल किस किस चीज की बात हो रही है तालमेल की और भरोसे की बात क्या हो रही है तो यहां पे ना एक एग्जाम्पल देकर बात करता हूं मैं। मान के चलो आप स्कूल जाते हो स्कूल में जो चीजें होती हैं वो तरीके से होती हैं भाई मान के चलो स्कूल में आप जाओगे आपको टाइम पे जाना है आठ बजे जाना है पूरा पहले से डिफाइन है आपको एक पूरा वो मिलता है जो स्कूल का मेमोरेंडम होता है उसमें पूरी जो है चीजें लिखी होती हैं आपको कितने टाइम पे जाना है कितने टाइम पर लंच होगा कितने मिनट के के पीरियड्स लगेंगे टीचर्स को भी भी पता पता होता है 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 कि कि जैसे मान कोई टीचर टीचर सामाजिक विज्ञान आपका उसको उसका पहला और पांचवा जो पीरियड होगा वो उसका होगा गणित वाले टीचर को पता है उसका आठवां पीरियड उसका होगा <coughs> अब मान के चलो सपोज कर सपोज करके देखो कि यहां पर पीरियड किसी को पता ही नहीं कौन कब लेक्चर लगेगा किसी को पता ही नहीं है अब पता चले सामाजिक विज्ञान के टीचर का जो है लेक्चर था और गणित वाला टीचर पढ़ा रहा है आगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्लेश हो जाएगा जाएगा क्लैश अनमन होंगे भाई बात पहुंचेगी भैया हमारा लेक्चर था मैथ वाले सर आ गए प्रिंसिपल तक बात पहुंचेगी प्रिंसिपल क्या करेगा भाई सुलह करवाएगा तालमेल यहां पर क्या है तालमेल ठीक से बैठ नहीं पाया क्यों नहीं बैठ पाया क्योंकि यहां पर पता ही नहीं था किस, आ, किसको कौन सा लेक्चर लेना है अब सोच के देखो आप जाते हो स्कूल में जाके आपको पता होता है पहले से पता होता है कि आज पहला टीचर पहला जो लेक्चर लगेगा पहला सामाजिक विज्ञान का लगेगा दूसरा लगेगा फिजिक्स का तीसरा बायो का चौथा केमिस्ट्री का पांचवा मैथ का तो ऐसे करके जो है आपको पता होता है पूरा कैसे पता होता है और टीचर्स को भी पता होता है टीचर्स के पास भी वो जो शेड्यूल होता है पहुंच जाता है कैसे पहुंच जाता है क्योंकि आपके स्कूल में प्रॉपर जो है एक संविधान बना दिया गया आपके स्कूल का ही और सारे टीचर्स को सारे स्कूल्स को इवन जो का प्रिंसिपल है उसको भी उस संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको पता है कि आपका पांचवा लेक्चर है पांचवा पीरियड है तो आप जाके पढ़ाइएगा कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा तो ये क्या हो गया ये तालमेल ठीक से बैठ गया तो यही अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो देश में भी तालमेल ठीक से बैठाने के बीच में क्योंकि हमारा देश जो है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है भाई बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा यहां पर तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और यहां पर अलग अलग वर्गो में लोग बटे हुए हैं अलग अलग भाषाएं बोलते हैं अलग अलग जाति के लोग हैं अलग अलग धर्म के लोग हैं अलग अलग पहनावे के लोग हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं अलग अलग खान पान के लोग हैं तो ऐसे देश में अगर तालमेल ना बिठा पाए तो यहां पर बहुत बड़ा जो है आप बोल सकते हो होने के चांसेस बहुत ज्यादा तो यहां पर संविधान का काम क्या है भाई सबसे पहले काम है यहां पर संविधान का के तालमेल बढ़ाना और भरोसा दिलाना और भरोसा कौन दिलाता है हमारे संविधान ही तो दिलाता है कैसे दिलाता है वो हम आगे जानेंगे भाई किस किस तरीके से हमें भरोसा होता है कि हाँ इनकेस हमारे साथ कुछ गलत होता है तो संविधान हमारे साथ में है समझ में आ गया तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ते रहना है है ना और हाँ आपके एनसीआरटी की सारी चीजें मैं आपकी जो किताब है पूरा पॉइंट लिखा क्या है देखो संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों को जो है नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे जो है समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे समन्वय का मतलब क्या होता है एक तालमेल

समन्वय बना रहे मतलब समन्वय मतलब एक तरह का जो तालमेल जो होता है बैलेंस बना रहे चीजों में है ना अब इसका जो मतलब कैसे देख लेते हैं अब यहां पे थोड़ा यहाँ पे पूरे यहां पे थियोरिकल चीजों की बात हो रही है आप खुद पढ़िए है ना खुद पढ़िए देखो कल्पना करें कि आप एक ऐसे बड़े समूह के सदस्य हैं यह भी कल्पना करें कि उस समूह के कुछ विशेष विशेष मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक दिखते हैं भाई है ना ऑब्वियस सी बात है जो आप जहां रहते हो वहां पे अलग अलग समूह के जो लोग रहते हैं उनकी अलग अलग क्या धार्मिक निष्ठाएं कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई सिख है कोई ईसाई है कोई पारसी है है ना किसी औ, और कुछ ऐसे भी है कोई जो किसी भी धर्म को नहीं मानते आप ऐसे समाज में रह रहे हो जिसमें हर तरीके का रह है। वे और पर भी है। जैसे कि क्या, कौन कौन से है भाई। कोई, कोई डॉक्टर है कोई वकील है कोई मजदूरी करता है।, है ना उनकी जो है विभिन्न योग्यता है भाई किसी ने भाई इंजीनियरिंग कर रखी है कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा है ही नहीं कोई टीचर है तो उसने किसी ने बी टी कर रखी है है ना अलग अलग शौक है उनके शौक बहुत बड़ी चीज है है ना सिनेमा को लेकर किताबें किताबों तक उनकी जो है पसंद अलग अलग है भाई है ना हर चीज अलग अलग है हर चीज अलग अलग है कुछ कुछ धनिया कुछ गरीब है कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान है इतना ज्यादा यहां पर जो है विविधताएं दिखाई गई है है ना <coughs> अब यहां पर क्या देखो हो होते तो आगे पढ़ो कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन की विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है अब मान के चलिए इन्हीं लोगों में जो जितनी मैंने अलग अलग लोगों की की बात बात किया लगा बात कही है 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 अब किसी भी चीज को लेकर इन में विवाद होता है। विवाद होता हो जाता लड़ाई हो जाती है जैसे कि किसी व्यक्ति को जो है कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए क्या सभी बच्चों को जो है स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को जो है इसका निर्णय लेना चाहिए या नहीं को देना चाहिए इस समूह को जो है अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या किसी जगह उसे जो है बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए क्या इस समूह को अपने कुछ ही सदस्यों को के विरुद्ध जो है भेदभाव करने देना चाहिए भिन्न भिन्न लोगों लो, लोग लो जो है इसमें प्रत्येक प्रश्न का जो है अलग अलग उत्तर देंगे लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी जो है इस समूह को जो है एक साथ रहना है समझ में आ गया यानी कि इन समूह में आपस में भेदभाव भी हो सकते हैं और वो और यहां पर अगर आप एक टॉपिक की बात करोगे ना तो एक टॉपिक पे

सहमत हो मतलब कुछ बुनियादी नियम है है, तुम्हें, तो तुम्हें, 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 तुम्हें पता है अलग धाराएं और तुम्हें सजा दी जाएगी मर्डर दिया तुम पे जो है धाराएं लगेंगी और तुम्हें जो है जेल में भेजा जाएगा उम्र कैद की सजा होगी फांसी की सजा होगी तीस साल की सजा होगी चालीस साल की होगी सजा ये सब ये क्या बुनियादी नियम है समाज में कहीं ना कहीं डर है इनका तभी लोग जो है क्राइम करने से डरते हैं भाई सोच के देखो सरकार बोल दे एक दिन के लिए कि भाई जाओ छूट है तो मैं जो करो करो तो ये तरखाट मच जाएगा सोच के देखो जरा है ना तो यहां पर बोला गया, गया रहा है कि बुनियादी नियम होने चाहिए और ये बुनियादी नियम लिखे कहां होते हैं भाई हमारे संविधान में लिखे होते हैं इस समूह को जो है ऐसे नियमों क्यों तो क्यों चाहिए इस समूह को जो है ऐसे नियम क्यों चाहिए कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में जो है क्या होगा अभाव मतलब कमी से अभाव का मतलब क्या होता है कमी किसी चीज की कमी ऐसे नियम ना हो तो क्या होगा सोचिए देखिए प्रत्येक सदस्य अपने को जो असुरक्षित है असुरक्षित महसूस करेगा ऑफिस बात है भाई सरकार बोल दे आए कि तुम्हें कोई कानून वानून नहीं मानने एक दिन के लिए दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर लाखों मर्डर हो जाएंगे लाखों घरों में चोरियां होंगी क्योंकि उसे जो है यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे आ, बात है है अगर छूट दे दिया कोई कोई बुनियादी नियम ही नहीं है, तो हमें क्या पता कोई आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा और किसी का जो है किस चीज पर जो अधिकार है किसी भी समूह को जो है सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे जो है समूह के सभी सदस्य जो है जानते हो ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे मतलब एक जो अलग अलग समूह रह रहे हैं इन्हें जो है इनको एक ऐसे हमें बुनियादी नियम लेने चाहिए कि उन सबको जानते भी हो भैया आप जानते हो कि अगर आप किसी का मर्डर कर दोगे किसी घर में चोरी कर दोगे कुछ और गलत काम करोगे तो आपको सजा होगी तो आपके अंदर एक डर है आप उन, उन उनको जानते भी हो है ना और आप जो है उस समूह में रह भी रहे हो तो यहां पर क्या रहेगा जब आप उन नियमों को जानते होगे तो आपको पता है कि आप क्या रहोगे आप जो है न्यूनतम समन्वय बना रखोगे मतलब एक जो होता है ना कि एक जो बात होती है किसकी भाई तालमेल वाली एक जो भरोसे वाली बात जो होती है वो बना रहेगा लेकिन यह नियम जो है केवल पता ही नहीं होने चाहिए उन्हें कानून भी उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए अब भाई पता है है वो अलग लागू नहीं करोगे तब तक काम कैसे चलेगा यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी जो है उस नियम का का पालन पालन करेंगे तो उसके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा लेकिन जब यह कहा जा सकता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया करवाया जाएगा तो इससे जो है सभी को विश्वास हो जाता है मतलब कहने का क्या है कि ठीक है तुमने नियम तो बना दिए अब उन्हें लागू भी कर ही नहीं रहा है और तोड़ भी बहुत लोग रहे हैं और उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा तो फिर क्या फायदा उस कानून को बनाने का भाई सामने वाला अगर कानून जो जो भी नियम बनाए गए हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है उनको मान नहीं रहा है तो तुम क्यों मानोगे है ना तो ऐसा कोई संस्था भी होनी चाहिए जो जो उन उन का, उन उन कानूनों को उन को जो है, उन को नियमों नियमों है है बुनियादी लागू भी करवाए तो आपको पता भैया हमारे देश के जो तीन महत्वपूर्ण जो खंबे हैं एक को हम बोलते हैं विधायिका एक को बोलते हैं कार्यपालिका एक को बोलते न्यायपालिका और जो तीसरा खम्बा है न्यायपालिका ये क्या करवाता है लागू करवाता है भाई अगर कुछ भी दिक्कत होती है तुम सीधे जाते हो ना कोर्ट में आई इन कोर्ट कानून अंधा है कानून क्या करता है न्याय तो ही करता है भाई अगर तुम कोई भी कानून तोड़ोगे तो मैं सजा देने का काम कौन करेगा तो न्यायालय करेगा तो लोगों के अंदर जो एक वो है ना एक जो पता है उन्हें कि भैया हम कोई भी क्राइम करेंगे तो सीधा जेल में जाएंगे तो ये जो चीज है वो अच्छी है भाई ये डर अच्छा है भाई कुछ डर जो होते हैं अच्छे होते हैं तो समाज में शांति रहती है समन्वय रहता है और एक दूसरे पर भरोसा भी भरोसा किस चीज का हो रहा है भरोसा संविधान की बात की जा रही है हमें संविधान पर भरोसा क्यों है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है भाई अगर कोई भी नियम तोड़ेगा तो उसको न्यायालय जो है सजा देगा समझ में आ गया तो इतनी जो चीजें वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं दूसरा पढ़ लेते हैं निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषता अब यहां पर क्या है भाई निर्णय अब यहां पर संविधान जो है क्या करेगा भाई निर्णय करेगा कुछ नियमों का निर्माण भी करेगा उसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो संविधान का दूसरा काम क्या यह एक्सपेक्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए अब इसका बहुत ही प्यारा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है भैया आप जिसको वोट देकर जिताते हो उसी के पास तो सम... उसी के पास तो क्या होता है उसी के पास तो न्याय उसी के पास तो जहां पर शक्ति होती है ना निर्णय लेने की जिसको आप जिता के भेजोगे भैया अगर आपके हम बात करें आपके निर्वाचन क्षेत्र से जो विधायक चुनकर गए हैं या फिर आप जो मंत्री एमपी चुनकर गए हैं वो क्या करेंगे भाई आपने चुनकर भेजा है उनका काम भी पता है क्या है तो वो आपके संबंधित आपके जो आपका देश जो है या फिर आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे संबंधित जो भी निर्णय लेने होंगे वही लेंगे और उसकी शक्ति किसको दी है जनता को आम जनता को समझ में आ गया अब यहां पर यह भी सीन है कि देखो अगर सरकार को शक्ति दे दी है जिस सरकार को आपने जिताया है मान के चलो अभी क्या है अभी बीजेपी की सरकार चल रही है भाई और बीजेपी की सरकार को जिताया किसने आम जनता ने जिताया है और बहुमत में जिताया था भाई तीन सौ तीन सौ ऊपर सीटें थी अब इतनी सीटें जी के तुमने जिताया है तो तुमने कहीं कहीं ना कही उन्हें डायरेक्टली क्या है बोला है 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 बोला कि ये जो है, जिसे है, ये जो इंसान हमने जिताकर भेजा हमारे लिए जो है निर्णय लेगा जाके और ये शक्ति कौन दे रहा है ये शक्ति कौन दे रहा है संविधान दे रहा है भाई संविधान ही तो बोलता है कि ऐसी चुनी हुई सरकार आएगी जो लोग चुनेंगे और एट द एंड दागत इसके हाथ में आम लोगों के हाथ में ठीक है और यहां पर यह भी चीज है कि यहां पर बैलेंस रहता है हर चीज का कि ये इतनी शक्ति भी नहीं देनी चीज सरकार को के वो अपनी ताकत का दुरुपयोग करे तो यहां पर फिर क्या बना दिया न्यायालय बना दिया है कुछ यहां पर आपको सरकार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना करे तो यहां पर आपको मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं फंडामेंटल राइट बोलते हैं भाई जैसे कि इसे सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती सरकार छीनेगी तो सरकार को जो है फटकार कौन लगाएगा हमारा न्यायालय समझ में आया ना जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक भाई जो दे रखे हैं उनका काम ही क्या है भाई कि आपके जो आपके जो अधिकार हैं जो बुनियादी अधिकार जो है वो तो चाहिए चाहिए आपको समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार कोई भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हो भाई कोई भी धर्म को उसका अधिकार ये अधिकार कहां दे, दे रखे हैं भाई ये अधिकार संविधान राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कि कोई भी अगर आपको जो अधिकार है उनका उल्लंघन करता है तो आप कहां जा सकते हो सीधे सीधे कोर्ट में जा सकते हो कोर्ट ने बहुत सारी पांच रिट दे रखी है डायरेक्ट तुम सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके आपको लगता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर किसी ने चोट पहुंचाई है तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि यहां पर सिर्फ शक्तियां ही नहीं देता उन शक्तियों पर जो है एक क्या लगाता है लिमिट भी लगाता है यहां पर समझ में आ गया तो इसी के बारे में जो है पढ़ लेते हैं तो देखो यहां पर संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर जो है राज्य का निर्माण और शासन होता है मतलब शासन कैसे होना चाहिए देश का जो शासन है कैसे होना चाहिए और किसी राज्य का निर्माण कैसे होना चाहिए ये सब संविधान में लिखा हुआ है लेकिन ये बुनियादी नियम क्या है क्या हो और ऐसी कोई भी बात है जो उन्हें जो है बुनियादी बना देती है पर हाँ सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें जो है बनाएगा कौन मतलब जो नियम है आपके है ना जो नियम कानून बन रहे है। भाई नियम कानून कार्यपालिका क्या, का क्या करेगी उन नियमों को लागू करवाएगी और न्यायपालिका क्या करेगी जो नियमों को कानून को तोड़ेगा उन सजा देने का काम किसका होगा न्यायपालिका का होगा लॉ एंड मैटर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का तो कहने का मतलब क्या है कि देखो यहां पर बुनियादी जो नियम है इसको बनाएगा कौन ये कौन बताता है भाई ये भी हमारा संविधान बताता है बनाएगा कौन भाई सरकार बनाएगी इसको आप चुनकर भेजोगे है ना आपको बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग का नियम बना रहे हैं मान चलो कोई भी एक ऐसा नियम है अब जैसे भाई करोड़ों लोग हैं और कोई भी कानून बनाना है अब करोड़ों लोग हैं यहां पर अलग अलग जो यहां पर लोग अपने अपने बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए लेकिन भाई फिर बनाएगा कौन भाई कानून है ना उसी की बात हो रही है लेकिन भाई जिसको आप जिता के भेजोगे जिसको आप चुनोगे वही तो आपके लिए कानून बनाएगा

बहुमत के लिए दो से ऊपर चाहिए और दो से ऊपर जो सीटें जीतेगा उसका मतलब क्या होगा उसकी जीत हो जाएगी वो शासन करेगा पांच निर्वाचन क्षेत्र है पूरे देश में वहां पर अलग अलग जो है एम पी एमएलए खड़े होंगे अलग अलग पार्टी से अलग अलग पार्टी से अलग अलग दलों से खड़े होंगे वहां पर और जिसके जो है सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे एमपीज हो जाएंगे वो जाके लोकसभा में बैठेगा सबसे ज्यादा इसकी सीटें होंगी बहुमत में दो सौ चौहत्तर अब अभी जैसे हम बात करें बीजेपी के पास तीन सौ तीन सीट है तो भाई बहुमत है राज्यसभा में थोड़ा सी अलग है राज्यसभा में जो है कोई चुनाव नहीं होता विधानसभा के लोग ही जो है राज्यसभा में चुनकर बेचते हैं छह साल का, का कार्यकाल होता है और वहां पर कोई सब रिटायर होते हैं कोई हर मतलब वैसा नहीं रिजोल्व होती है बेसिकली रिटायर होके यहाँ पे नए नए लोग चुनकर आ जाते हैं राज्यसभा का कैसे होता है है ना तो ये निर्णय कौन ले रहा है भाई ये निर्णय संविधान तो ये सब चीजें बता कौन रहा है संविधान बता रहा है भाई संविधानी तो बता रहा है ये तो देखो यहाँ पर कानून कौन बनाएगा इस प्रश्न का जो है उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है राजतंत्र में राजतंत्र की हम बात करें तो राजतंत्र कानून कौन बनाता है भाई राजा बनाता है सिर्फ राजा के हाथ में ही सब कुछ होता है जबकि संविधान जैसे हम बात करें तो जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जो है जनता लेती है देखो यहां पे सोवियत संघ की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ को पहले हम यूएसएसआर बोलते थे यूएसएसआर सोवियत संघ

जितने भी चौदह देश ने मिलकर जो यूएसएसआर बनाया था कंट्रोल किसका था रशिया का था और जो उनका स्टैलिन जो था कम्युनिस्ट पार्टी का नेता जो था वही कंट्रोल करता था तो वहां पर क्या हुआ वहां पर आपने देखा उन्नीस में बट जाता है भाई में जो सोवियत संघ जो होता है टूट जाता है और अलग अलग देशों में बट जाता है यूक्रेन जो था यूक्रेन भी तो पार्ट था उसका लेकिन यूक्रेन अब क्या यूक्रेन अब अलग हो चुका है अलग देश है यूरोप का ठीक है ना तो वैसी हम बात कर रहे हैं कि जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया है लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जो है है जनता जनता लेती मतलब जनता अपने सरकार को चुनेगी लेकिन यह विषय जो है इतना सरल नहीं है यदि यह मान लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है तब भी यह वह प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा कि आ, अनुत्तरित रह जाएगा कि जनता निर्णय कैसे लेती है क्या कोई कानून बने, बनने के लिए सभी लोगों को सहमत होना पड़ चाहिए? की के क्या? चाहिए लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होता है कुल कितने प्र, प्रतिनिधि होते हैं अब सुनो ये मानो ऑलरेडी बता दिया ये जितने भी सवाल है कि भैया ठीक है अब आपने सरकार अपनी चुन ली अब भाई सरकार कैसे चुनी जाएगी अब जब कोई भी नियम कानून बनेंगे वो कैसे बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए भाई कि आपके निर्वाचन क्षेत्र से हर एक इंसान खड़ा होता है कितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में जो है कितनी जनसंख्या उसके अनुपात में आपके निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी एक वेक व्यक्ति खड़ा होगा और हर पार्टी का व्यक्ति खड़ा होगा उससे अब आप किसको वोट देते हो आप बीजेपी को वोट देते हो आप कांग्रेस को देते हो आप आम आदमी पार्टी को देते हो आप कोई निर्दलीय उम्मीदवार को दे देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो कहां जाएगा वो जीत कर जो है उसकी एक सीट पक्की हो जाएगी अब ये सारे जो लोग हैं पांच सौ तैंतालीस तैतालीस लोग हैं लोकसभा में बैठेंगे अब कोई भी निर्णय या कानून लेना होगा तो आपको पता है कि पचास परसेंट से ज्यादा अगर कोई भी संशोधन करना है कोई भी नियम कानून बनाना है आपको पचास परसेंट से ज्यादा जो है इक्यावन परसेंट जब संसद सांसद लोग हा कर देंगे तब जो है वो पास हो जाएगा और ये भी डिपेंड करता है भाई ये तो एक, एक सरल जो एक सिंपल प्रोसीजर है वो है कई कई जगह पचहत्तर परसेंट होता है कुछ आपको एक ऐसे निर्णय लेने हैं जहां पर Uh, कुछ ऐसे क्रूशियल निर्णय होते हैं ना जहाँ पर बहुत जरूरी होता है जैसे कि है ना जैसे कि हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं uh, कोई भी संविधान में आप संशोधन कर रहे हो और uh, <coughs> जिसमें राज्य वगैरह भी इन्वॉल्व है तो यहाँ पे आप जैसे मानी चलो ये हाँ सुप्रीम कोर्ट के आपको uh, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है आपको तो पचहत्तर परसेंट चाहिए यहाँ पे है ना सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अगर हटाना है आपको तो आपको पचहत्तर परसेंट जो यहाँ पर बहुमत चाहिए होगी तो कुछ जगह कुछ नॉर्मल जो जो कानून होते हैं उन्हें उनके लिए पचास परसेंट चाहिए इक्यावन परसेंट चाहिए होता है पचास परसेंट प्लस एक परसेंट और कुछ में जो है पचहत्तर परसेंट चाहिए होता है तो ये सारी जो चीजें डिपेंड करती हैं लेकिन ऐसा ही होता है वोटिंग वगैरह होती है और उसके बाद ही जो है यहां पर कोई भी कानून बनता है कानू, कानून से पहले वो क्या होता है कोई कानून बनने से पहले एक्ट बनने से पहले वो एक पूरा उसका प्रारूप तैयार किया जाता है ड्राफ्ट तैयार किया जाता है

वो जो है इनमें से अपने अपने में से मेंबर चुनकर भेज देते हैं है ना और ये आपको सारी चीज संसद बनाती है हमारे देश में कानून है ना और संसद ही निर्णय लेती है और संसद की हम बात करें तो यहां पे आपको नॉर्मल की कोई भी कानून बनाना प्लस एक है ना और कोई भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून होते हैं जिसमें पचहत्तर परसेंट भी चाहिए होता है ठीक है आई होप आपको इतनी जो चीजें क्लियर हो गई होंगी और भी कई सारी चीजें होती है जैसे कि अगर आप राज्य से संबंधित कोई भी निर्णय ले रहे हो तो राज्यसभाओं में आपको पचास से ज्यादा चाहिए होगा तो ये भी सारी चीजें हो जाती हैं इन संसद का जो है गठन भी एक विशेष प्रकार के के किया जाता है किसी किसी में कानून कैसे कैसे हैं इसे देखने के लिए पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे जो है यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए मतलब यहां पर अगर संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो यहां पर वो उसे यह अधिकार किसने दिया कि तुम कानून बना सकते हो उसका पता होना चाहिए संसद ने दिया है

चौदह से पैंतीस अब इन मौलिक अधिकारों में अगर कोई भी खनन होता है इनका जो मूल ढांचा अगर हिलता है तो यहां पर आपकी न्यायपालिका सरकार को झाड़ देगी समझ मांगे तो हमारा संविधान ने हर चीज जो है परफेक्ट किया है वैसे देखा जाए तो ठीक है ना तो ये आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी है ना अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सरकार की शक्तियों पर सीमा है, है ना अब देखो यहां पर जिसको शक्ति मिल जाती है भाई है ना वो उसका दुरुपयोग कर सकता है और हमारे संविधान इतना हमारे संविधान इतना हमारा संविधान संविधान खूबसूरत है ना कि हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति को इतनी शक्ति प्रदान नहीं की हमारे संविधान में कि वो उसका जो है गलत इस्तेमाल कर सके संविधान का कुछ ढांचा ही ऐसा है कि हम क्या करते हैं हम एक दूसरे की पावर्स को चेक करते रहते हैं कोई किसी पर हावी नहीं हो पाता ऐसा हमारे संविधान को डिजाइन किया गया है सरकार कुछ ऐसा करती है भाई तो यहां पर ऑपोजिशन पार्टी जो होती है वो दम, दम खा लेती है ऊपर से हमारे सबसे बड़ी तो न्यायपालिका है सरकार कुछ ऐसा करे जो कि सीधा सीधा दिख रहा है जिससे जिस तो ऐसे जो है कुछ भी नहीं कर सकती सरकार है ना तो उसके लिए सरकार ने भाई मौलिक अधिकार बना रखे हैं तो इसी के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं संविधान का तीसरा काम यह है कि वे सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार जो है उनका उल्लंघन नहीं कर सकती मतलब यहां पर क्या दिया है है कि ठीक है, तुमने सरकार चुन ली भाई सरकार चुन तो ली तुमने और गलतियां तो इंसान से ही होती है क्या पता तुमने गलत सरकार चुन ली हो क्या पता तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए दबाव में आ गए या किसी ने कुछ बोल दिया इसलिए तुमने वोट दे दिया कि भाई हां ये बंदा जो है ये चुनकर आएगा और ये हमारे लिए भलाई करेगा और पता चला कि वो जब इंसान जीता तो उसने कुछ ऐसे कानून लाने शुरू किए जिससे कि आपके अधिकारों का उल्लंघन होने लगा तो भैया गलतियां इंसान से हो जाती हैं लेकिन भैया यहां पर जो हमारा संविधान है वो कहता है कोई बात नहीं तुमने ऐसी सरकार चुन ली है जो कि तुम्हारे 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 लिए तुमारे लिए कुछ कर नहीं रही रही है, है है ना और कुछ ऐसे कानून ला रही है, तो हम हैं उसके लिए ठीक है तो देखो यहां पर सीमाएं लगाने का भी काम करता है जो हमारा संविधान है बेसिकली वो इन पर सीमाएं भी लगाता है सरकार पर जो है सीमा भी लगाने का काम करता है उस पर लिमिट्स लगाता है है ना रोक लगाता है कि तुम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर चल सकते आप जो क्या करोगे आप जो हो संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा होना एक दो चीजें होती है एक रूल बाय बाय लॉ 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 होता rule law होता है 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 एक रूल 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 ऑफ ऑफ नहीं भाई rule of law है कि आपको कानून के हिसाब से ही चलना है कानून को अपने हिसाब से नहीं बनाना फिर वो तो तानाशाही हो जाएगी ठीक है क्लियर हुआ है, नहीं हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं देखो संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से जो है सीमित करता है ये पूरी रीडिंग करवा रहा हूं मैं आप, आप चाहे बुक हो तो आप बुक के साथ बैठ सकते हो उससे जो आपको और अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा तो वो सरकार संविधान जो है सरकार की शक्तियों को जो है कई तरह से जो है सीमित करता है सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को जो है स्पष्ट किया जाए और कोई भी सरकार किसी भी किसी भी कभी भी जो है उनका उल्लंघन नहीं कर सके अब मौलिक अधिकारों की बात करें तो आपके जो संविधान का जो संविधान का पार्ट पार्ट तीन है मतलब भाग तीन जो है आपके संविधान का बारह से अनुच्छेद बारह से पैंतीस तक क्या दे रखे हैं आपके मौलिक अधिकार दे रखे मौलिक अधिकार क्या होते हैं तो वैसे आने वाले आपके जो अध्याय है उनमें आप मौलिक अधिकारों के बारे में जो डिटेल में में जानोगे लेकिन अभी हम बात करूं मौलिक अधिकार अधिकार सिंपल से वो वो होते हैं कि वो भारत रहने वाले हर नागरिक के पास वो अधिकार तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता ये ऐसे अधिकार होते हैं मतलब वो आपका हक है ठीक है तो उसको हम मौलिक अधिकार बोल देते हैं और अगर इनका कोई उल्लंघन करता है आप सीधा जो है उच्च न्यायालय में जा सकते हो उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट और

कि भैया देश में रहने वाला हर व्यक्ति क्या है? समान है समानता का अधिकार है कोई भी पात से लेके संबंधित जो है कोई भी तरह का कोई भी आपसे दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा सबको जो है समान नजरों से देखा जाएगा सब समान है है ना दूसरी बात है स्वतंत्रता का अधिकार आप जहां चाहो वहां खड़े होकर अपनी बात को रख सकते हो अब समानता का स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है कि कुछ भी बोलने लगोगे तो किसी को थप्पड़ मार दिया किसी को कुछ भी बोल दिया तुमने वैसा नहीं है लेकिन हाँ अपनी बात को जो है सामने वाले के साम, साथ में रख सकते हो भाई किसका किसका कितना अधिकार है लड़कियों के लड़की जो है वो आ, सेम पोजीशन पे काम करेंगे भाई। जो चाहे वो काम कर सकती हैं जिस प्रोफेशन में जाए उसमें जा सकती है।, है ना और हाँ कहने का मतलब क्या है देखो स्वतंत्रता का अधिकार इन सबके अधिकार तो है इनपे भी कुछ लिमिट्स हैं समझ में आया कि होता क्या है लोग जो होते हैं गलत तरीके से जो है चीजों को समझ लेते हैं तो इन सब पे भी कुछ ना कुछ लिमिट्स है अब आपको अधिकार मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे ठीक है शोषण के विरुद्ध अधिकार और हाँ समानता समता के अधिकार में ये भी आ जाता है कि एंप्लॉयमेंट की बात भी आ जाती है कि एंप्लॉयमेंट में सबको बराबर का अधिकार होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 इसमें क्या भाई कि आप जो चाहो वो धर्म को मान सकते हो जिस ना भी मानो वो भी चलेगा आप जैसे चाहो वैसे अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार ये आ जाते हैं अनुच्छेद 29 से 30 में और हाँ, एक मौलिक अधिकार पहले पहले हमारे हैं थे पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार भी पहले एक मौलिक अधिकार था लेकिन उसको हटा दिया गया अब उसको उसको में डाल दिया गया है और उसको जो है और जो एक संवैधानिक अधिकार बना दिया एक लीगल राइट बना दिया उसे अब पहले क्या था भाई पहले किसी की भी प्रॉपर्टी कब्जा ली जाती थी तो उसको जो है सीधे सीधा आप बोल सकते हो <coughs> सुप्रीम कोर्ट चलाया जाया करता था लेकिन अब क्या है भाई अब जो है आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते सीधे सीधे उच्च न्यायालय में नहीं आ सकते अगर भैया कोई भलाई उसके कुछ एक्सेप्शन है आपको मुआवजा वगैरह दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी संपत्ति तुम्हारी कोई भी कब्जा लेगा तो तुम बोलोगे तुम्हारा यह मौलिक अधिकार था पहले ऐसा हुआ करता था है ना पहले जो है ये ए का पार्ट था ये तो ये पहले क्या था भाई मौलिक अधिकार था आप जो है ये संवैधानिक अधिकार बनकर रह गया ठीक है एक लीगल राइट है आप अब ले सकते हो एक और यहां पर जो है आप kind of आप कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हो लेकिन हाँ आप ये नहीं बोल सकते हैं तो सबके है आप, आप बारे में छठवा तो बहुत जरूरी है संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद मतलब ये जितने भी गए इनका अगर उल्लंघन होता है तो आपको सीधे सीधे जो है उच्च न्यायालय में जाने की परमिशन है भाई है ना तो यहां पर संवैधानिक अधिकार हो गया है संवैधानिक अधिकार ठीक है क्लियर हुआ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं हम ठीक है ना चले तो ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी आगे बढ़ते हैं तो इन अधिकारों का जो है वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं हां अब यहां पे इसका मतलब क्या है अब देखो अलग अलग संविधानों की हम बात करें तो ये जो अधिकार हैं तो ये अलग अलग संविधानों में बदलते रहते हैं भाई जैसे हम बात करें हमारे देश की तो हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी जब हम आजाद हुए पात की बहुत दिक्कत थी जात पात के नाम पर जो है लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर आप बोल सकते हो काफी यहां पर भेदभाव किया जाता था लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पर रंग भेदी सरकार थी एपर गवर्नमेंट थी वहां पर तो वहां पर रंग के नाम पर जो है लोगों के साथ काफी ज्यादा जुल्म होता था तो यहां पर दिक्कत यह है कि वहां की लोगों की एस्पिरेशन कैसी है लोगों की आकांक्षाएं क्या है उनको क्या उम्मीदें हैं अपने संविधान से उसके हिसाब से जो है यहां पे अधिकारों को डाला गया है अब ये जो चीजें हैं अलग अलग संविधानों में बदलती भी रहती है जो अधिकार है ये अलग अलग संविधानों में बदलते भी रहते, है। है, अलग -अलग बदलते भी रहते हैं ठीक है हमारा भारत जो है हमने अपने हिसाब से अपने लोगों के हिसाब से अपने लोगों की उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से उनके जो उम्मीदें थी उनके हिसाब से जो हमने अपने, अपने संविधान को बनाया है लेकिन अधिकतर संविधानों में जो कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं है ना जैसे स्वतंत्रता का अधिकार समता समानता का अधिकार ये सब तो पाए जाते जाएंगे हर हर संविधान में नागरिकों को मन माने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है नागरिकों को समानता कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का जो अधिकार है जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता भाई आप जाओ तो भाषण दे सकते हो अपनी बात को जो है रख सकते हो यह कौन बोलता है भाई संविधान बोलता है कोई नहीं रोक सकता सरकार भी नहीं रोक सकती अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता संगठन बनाने की स्वतंत्रता व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है हाँ अब यहां पर एक चीज और कुछ यहां पर जो है इसके सीमाएं भी मतलब ऐसा नहीं तो हमें अधिकार मिल रहे हैं लेकिन इन अधिकारों को हटाया भी जा सकता है जैसे जब आपातकाल लग जाता है राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है मान के कि चलो किसी दूसरे देश में जो है युद्ध हो गया एक वित्तीय आपातकाल लग जाता है बहुत सारी चीजें होती हैं है ना जब राज्यों के अंदर ही आपातकाल लग जाता है कुछ राज्यों के अंदर ही जो है यहाँ पर मान के चलो गृह युद्ध हो गया कुछ भी हो गया तो ऐसी स्थिति में जो है कुछ आपके जो अधिकार होते हैं अधिकार उनको हटा दिया जाता है उनको जो है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिमिट लगा दी जाती है अब वो कब होता है वो हम आगे चैप्टर्स में जो है पढ़ते रहेंगे और संविधानों उन परिस्थितियों का जो उल्लेख भी करता है इनमें जो है इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है है ना तो यहां पर संविधान में उन चीजों का जो उल्लेख भी कर रखा है कि इन अधिकारों को आपसे कब वापस लिया जा सकता है तो ये जब आपातकाल लगता है नेशनल इमरजेंसी जब लग जाती है तो उस केस में जो आपके अधिकार जो है छीन लिए जाते हैं सारे के सारे अधिकार ठीक है ना तो यहां पर सारे के सारे तो नहीं कुछ जो अधिकार है जैसे आर्टिकल नाइनटीन हो गया तो यहां पर कुछ कंडीशन होती है वो हम आगे बात करते रहेंगे सारे अधिकार नहीं छीने जाते

है ना तो देखो यहां पर संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे जो है वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए जो उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके मतलब यहां पर संविधान ने क्या बोला है यहां यहां पर पर संविधान ने सरकार को ऐसी क्षमता भी प्राप्त की है कि समय समय पर जो है यहां पर जो समाज की आकांक्षाएं हैं उनको उनको क्या करें उनको पूरा करें न्यायपूर्ण समाज की जो है स्थापना करें मतलब इस, किसकी बात हो रही है किस चीज की बात हो रही है तो देखो आप पार्ट तीन में देखते हो पार्ट तीन में भाग तीन में क्या है भाग तीन में मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार है और पार्ट चार में क्या है राज्य के नीति निर्देशक इसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हाँ ये याद रखना ये जो बेसिकली हुआ है ना आपका अनुच्छेद ये जो संपत्ति का अधिकार है ये आप पता चल गया ना संपत्ति का अधिकार को यहां पे हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को जो आपका बयालिसवा संशोधन हुआ था बयालीसवा इस संशोधन के दौरान जो है इसको हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को एक संविधानिक अधिकार बना दिया गया एक लीगल राइट जो यहाँ पर आप ले सकते हो उसको संवैधानिक अधिकार है आपका ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है समझ में आ गया तो ये याद रखना क्लियर है हाँ अब देखो यहां पर क्या है यहां पर किसकी बात कर रहा है यहां पर जो आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे कि जिससे जो है वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके अब बहुत सारी चीजें होती है ऐसा। अब देखो हर चीज को आपका अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता है ना हर चीज को जो है अधिकार नहीं बनाया जा सकता जैसे हम बात करें बहुत ही अच्छा उदाहरण लेता हूं मैं शिक्षा का अधिकार तो अब जो है अब जो देखो जैसे दो में जो एक्ट आया था उसमें क्या किया था बेसिकली उसमें जो है यहाँ पर शिक्षा जो है एजुकेशन राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार है ना 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा अनिवार्य कर दी गई जो ये लागू हो गया था 2010 से एजुकेशन एक्ट जो आया था 6 से 14 साल के बच्चों को जो है ये एजुकेशन कंपलसरी है उससे पहले ऐसा था नहीं कंपलसरी नहीं थी मतलब एक ओ, एक मौलिक अधिकार नहीं था एक राइट नहीं था ये जो फंडामेंटल राइट नहीं था ये लेकिन अब इसको जो है फंडामेंटल राइट बना छह से चौदह साल के बच्चे जो है अनिवार्य कर दिया है कि इनको फ्री शिक्षा दी जाएगी भाई कुछ भी करो छह से चौदह साल के बच्चों को जो है पढ़ाओ अब ये किसका पार्ट था भाई तो ये राज्य के नीति निर्देशक का ही हिस्सा हुआ करता था ये डीपीएसपी का ही एक हिस्सा हुआ करता था अब लेकिन सरकार को लगा कि नहीं हमें जो है समाज के हिसाब से चलना चाहिए समाज में जो है बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है उन्हें बड़ा बनाना है तो हमें जो है इसको एक एक अधिकार के रूप में बनाना चाहिए हमें जो है क्या करना चाहिए इसको इसको जो हमें एक अधिकार बना देना चाहिए एक मौलिक अधिकार बना देना चाहिए तो अब क्या है भाई ये शिक्षा जो है कंपलसरी हो गई है छह से चौदह साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी सर्व शिक्षा अभियान याद है ना थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बेटा थोड़ा सा करेक्ट कर लो ये हाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लो ध्यान दे रहा है मेरे को हाँ चवालीस लिख लो चवालीस संशोधन होगा थैंक यू बेटा थैंक यू सो मच थोड़ा नंबर इधर उधर हो गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं चवालीस में संशोधन होगा चवालीस में फोर्टी तो फोर्थ तो अमेंडमेंट है ना थोड़ा सा ठीक लिख लेना चवालीस संशोधन में जो है यहाँ पर ये जो संपत्ति के अधिकार को जो हटा दिया गया था ये एक मौलिक अधिकार नहीं था ठीक ठीक है ठीक है बेटा ठीक है ओके ओके विधि बेटा ठीक है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं थोड़ा करेक्ट कर लो है ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो अलग था नहीं सही है सही है चवालीस ठीक है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को चवालीस ठीक है ठीक है चवालीस ठीक है चवालीस चवालीस में संशोधन में हुआ था चलो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ये यह सारी चीजें जो है आपको

है ना, ये पहले क्या था भाई? था भाई डीपीएसपी अब ये आ, सरकार ने क्या किया सरकार ने उसे जो है मतलब डीपीएसपी है क्या नीति निर्देशक है क्या कि यहां पर कुछ ऐसी चीजें डाल दी हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी हैं अब ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी में जो चीजें लिखी हैं वो आप क्लेम करोगे कि हमारा अधिकार है अधिकार नहीं है सरकार के ऊपर है सरकार इन इनपे कब इन इनपे कोई भी कानून बना सकती है सरकार के ऊपर है जैसे शिक्षा का अधिकार अब इसको जो है एक अधिकार बना दिया गया छह से चौदह साल के बच्चों को एक अनिवार्य कर दिया है एजुकेशन जरूरी है और सिर्फ 6 से चौदह साल है मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे चौदह साल से ऊपर के बच्चे ले सकते हैं अनिवार्य है, बाकी जो है वो सरकार को सक्षम बनाता है कि सरकार जो है समाज के लिए कुछ भला कर सके और वो सारी चीजें कहां डाल दी है वो तो सारी चीजें जो है नीति निर्देशक में डाल दी गई है सिंपल है पार्ट चार में ठीक है ना चले तो ये काइंड ऑफ kind of, ये सही होना चाहिए आपका क्लियर हो गया होगा आई होप आपको है ना तो समाज की जो आकांक्षाओं और उनके लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे भारतीय संविधान ने जो है इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए जिन समाजों में आ, नौनो प्रकार की जो है समानताओं की गहरी खाइया हो वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है वरना वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी जो है बनना पड़ेगा जिससे जो है असमानता और गरीबी के विभिन्न रूप में निपट निपट सके तो यहां पर वही बात असमानताएं बहुत ज्यादा है जातपात बहुत ऐसे है, है तो में हमें सरकार को भी कुछ ताकत देनी चाहिए है ना अगर हम सारी ताकत उनसे छीन लेंगे तो वो कुछ काम कैसे करेंगे ये समाज, समाज में इतनी जो कुरीतियां फैली है इतनी जो असमानताएं फैली हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है हमें करना पड़ेगा है ना सरकार को थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी तो यहां पर नीति निर्देशक में वो सारी चीजें हैं जो सरकार समाज के लिए कर सकती है समाज समाज के लोगों के लिए जो जो है है पर कर सकती है। तो आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका राष्ट्र की बुनियादी पहचान राष्ट्र की बुनियादी पहचान इसको हम जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो देखो इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही जो है किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है अब यहां पर बात करी जा रही है राष्ट्र की अब जैसे हमारे राष्ट्र की हम बात करें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जैसे हम बात करें आपके अलग अलग पहचान है आप राज्य में अलग हो आप जाति से अलग हो जाति किसी मान लीजिए लोग जात होगी ब्राह्मण ठाकुर हो, कुछ भी होगी आपकी है ना राज्य की हम बात करें यूपी की होगी बिहार की होगी झारखंड की होगी राजस्थान की होगी कहीं के भी हो सकते हो ठीक है और आप अलग अलग स्टेट से हो है ना जैसे मैं बोल दिया अलग अलग पहनावा है आपका खान पान अलग है आपका आपके जो आपकी संस्कृति है वो अलग है लेकिन एट द एंड आप हो क्या एट द एंड तो आप भारतीय हो ना जैसे बाहर कहीं जाओगे विदेशों में कहीं जाओगे क्या बोलोगे विदेशों में अगर कहीं जाओगे तो क्या बोलोगे क्या हम यूपी से हैं क्या हम ब्राह्मण हैं क्या हम ठाकुर हैं फिर ये बोलोगे हम इंडियन है तो हम आप जो है एज इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो है ना जैसे आप जो हो कहीं भी रहते हो जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका के जो लोग होते हैं उनके पास दो तो दो तो नागरिकताएं होती हैं एक तो जिस स्टेट में रह रहे हैं वो और एक पूरी अमेरिका की लेकिन हमारे भारत देश में चाहे आप कहीं भी रहते हो आप भारत के ही नागरिक हो भारतीय हो ना आप हाँ बिल्कुल तो इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही जो है किसी समाज की एक सामूहिक के रूप में जो है पहचान होती है इस सामूहिक पहचान को जो है बनाने के लिए हमें ऐसे संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर जो है सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसा होगा और शासितों में जो कौन कौन से लोग होंगे संविधान बनने के पहले जो है हमारी अन्य अनेक प्रकार की जो है पहचान अस्मिताएं होती हैं लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत पहचान बनाते हैं दूसरा संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं लक्ष्य और स्वतंत्रता जो है प्रयोग करते हैं संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्यों क्या नहीं कर सकता अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है तीसरा और अंतिम अब शायद हम संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए संविधान जो होता है पहला, पहली चीज यहां पर बताई गई है आप हम जब आजाद नहीं थे उससे पहले हमारी क्या थी भाई अलग अलग प्रकार की पहचानें थी लेकिन कुछ जो है बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर जो है सहमत होकर हमें क्या करना पड़ेगा हमें मूलभूत राजनीति पहचान बनानी है है अब भाई देखो हमें जो चीजों पर क्या करना पड़ेगा अग्री तो होना पड़ेगा ना सब जो है अलग अलग है सबकी पहचान अलग अलग है लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पर आकर जो है हमें अग्री होना पड़ेगा हमें मानना पड़ेगा कि हाँ देखो क्या करना है? हमें जो है सारे नियमों पर आपर, जो है यहां पर जो राजनीति है उस पर जो हमें बिल्कुल क्या अमल करना पड़ेगा देश की जो राजनीति है उस पर जो है हमें अमल करना पड़ेगा दूसरा संवैधानिक हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हमें अपनी व्यक्तिगत और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं है, जब हमें पूरा अधिकार मिले हैं स्वतंत्रता का अधिकार दिया इतने सारे हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो हम अपनी आकांक्षाएं जो हमारे लक्ष्य हैं जो हमारी स्वतंत्रता है, है उसका हम प्रयोग करते हैं भाई जब आपके पास स्वतंत्रता है तभी तो कहीं भी जा सकते हो आप वरना तो कोई पकड़ के डाल लेगा है ना और अंतिम हम बात करें तीसरा और अंतिम अब शायद जो है हर संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं तो यहां पर बात हो रही है किसकी बुनियादी राजनीति नियमों की जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं या फिर जो भी जो है नैतिक नियम बनाए गए हैं वो जो है हर प्रकार के संविधान में जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं ठीक है ना तो ये क्या थे भाई ये हमारा चौथा था भाई राष्ट्र की बुनियादी पहचान हाँ अब यहाँ पे नया टॉपिक है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका कि संविधान को कैसे हम प्रचलन में लाएं संविधान देखो कानून लिखने से बनाने से कुछ नहीं होता उसको प्रचलन में लाना पड़ता है कानून आपने बना दिए उसको कोई फॉलो कर नहीं रहा तो ऐसे कानूनों को बनाने का फायदा क्या है है ना तो यहां पर उसकी हम बात कर लेते हैं पूरी हम रीडिंग करेंगे अच्छे से जो है क्लियर होने वाली चीजें ठीक है तो देखो इसका मतलब यह है कि कोई संविधान देखो इसका मतलब यह है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व आया किसने संविधान बनाया और उनके पास जो है इसे बनाने की कितनी शक्ति थी पहली चीज तो ये होती है पहला सवाल क्या है कि कोई भी संविधान जो अस्तित्व में कैसे आया हमारा देश जो था गुलाम था, रॉय ने आइडिया दिया था का। कि एक होनी चाहिए वो संविधान का निर्माण करेगी किसी देश को चलाने के लिए संविधान बहुत जरूरी होता है, है ना और किसने जो संविधान बनाया किसने बनाया भाई तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने संविधान का निर्माण किया और उनके पास जो है इसके बनाने की कितनी शक्ति थी क्योंकि उन्हें जो है डायरेक्टली जनता के द्वारा तो चुना नहीं गया था लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था तो ऐसा मान सकते हो जनता ने उन्हें परमिशन दी थी अनेक देशों में जो है संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास जो है लोगों को अपने साथ लेकर चलने की जो है क्षमता नहीं होती ज्यादातर देशों में आपने देखा होगा कि जो संविधान होते हैं वो निष्प्रभावी होते हैं मतलब उनका कोई असर नहीं होता क्योंकि असर क्यों नहीं होता क्योंकि वो ऐसे शासकों द्वारा बनाए गए हैं ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए गए हैं जिनके पास जो है लोगों का समर्थन नहीं होता लेकिन हमारे देश के केस के में अलग था भाई हमारे देश के केस में जो जो संविधान पूरी असेंबली चुनी गई थी भाई वो हर जगह से हर तबके का इंसान चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो हर जाति का इंसान जो है उसमें आया था भाई ताकि कोई भी एक तबका जो है पीछे ना रह जाए सबकी सुनी जाएगी ठीक है लेकिन जो दूसरे देश हैं उनमें ऐसा नहीं होता भाई या तो वहां पर कोई आप बोल सकते हो जो शासक होगा वो बना देगा या या फिर यहां पर कोई तानाशाह होगा वो वहां के नियम कानून बना देगा जो कि लोगों के समझ के पार नहीं होते समझ समझ से बाहर होते हैं भाई। लोग उसका समर्थन नहीं करते ठीक है लेकिन हमारे देश का संविधान कैसे बनाया भाई हमारे देश का संविधान तो लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया ना कि हमारे लोगों की आकांक्षाएं क्या थी जब हमारा संविधान जब बना तो क्या आकांक्षाएं थी उसकी बात हो रही है ठीक है चलिए देखो विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं जैसे बात करें विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधानों की हम बात करूं तो उसमें किसकी बात होती है भाई उसमें जो है हमारे भारत का संविधान बहुत अच्छा माना जाता है दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है बहुत अच्छा माना जाता है दक्षिण अफ्रीका की आपको कहानी आपको टेंथ में सुनी होगी आपने है ना वहां पर रंग भेदी सरकार थी लेकिन उन्नीस में जब आजाद हो गया है ना उसके बाद संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई तो संविधान को ऐसे बनाया गया कि कि पे पे जो हैं, पे जो हैं हैं यानी वहां गोरे हो काले दोनों की यहाँ पर अधिकारों का ध्यान रखा गया और अमेरिका की बात करें यह ऐसे संविधान के उदाहरण है जिन्हें जो है एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था और क्योंकि यह सफल क्यों हुए क्योंकि भैया पूरी जनता ने मिलकर क्या किया सफल एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाया हजारों लोगों ने अपनी जान गवाई उसके बाद जाके जो है संविधान बनाया और संविधान ऐसे बनाया गया है कि जो लोगों की आकांक्षाएं थी कि भैया हमारा देश जब आजाद हो जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा तो उन सबको जो है उसमें डाल दिया गया पे खरा उतरा है ठीक है? समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं यद्यपि भारतीय संविधान को जो है औपचारिक रूप से एक संविधान सभा के द्वारा 1946 और नवंबर उन्नीस के मध्य में बनाया गया था भैया हम भारत की बात करें तो मैंने हजार बार बताया है कि संविधान सभा जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी इसके द्वारा जो है यहां पर बनाया गया था हालांकि जो संविधान सभा है इसको जनता के द्वारा नहीं चुना गया था इनडायरेक्टली चुना गया था ये संविधान को जो जिसे जो एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो बनाया गया की भारतीय संविधान की हम बात करें तो इसको जो है औपचारिक रूप से जो है एक संविधान सभा ने दिसंबर उन्नीस और नवंबर उन्नीस के मध्य बनाया गया दो साल ग्यारह महीने कितना टाइम लगा दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन ऐसा करने में जो है उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास की काफी प्रेरणा ली राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की जो है लक्षण क्षमता थी समझ में आ गया यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारी जो संविधान सभा थी इसमें हर तबके हिंदू थे मुस्लिम थे सिख थे ईसाई थे एस टी थे भाई जो संविधान सभा के चेयरमैन थे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये खुद दलित थे भाई लेकिन उन्होंने सबको ध्यान में रखते हुए समाज की एक एक तबके को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया तभी यही कारण है कि आज पचहत्तर से ज्यादा साल होने के बाद भी हमारा संविधान जो है उखड़ा नहीं है वैसा का वैसा ही है भाई सब उसी के साथ चल रहे हैं कभी भी कोई भी विद्रोह नहीं हुआ राष्ट्रीय आंदोलन में जो है समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की लक्षण क्षमता थी संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे जो है ऐसे लोगों को मनाया जिसने समाज का क्या क्या अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनके सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी समझ में आ गया हर एक तबके का इंसान शामिल था ताकि हम हर एक तबके का ध्यान भी रख सकें अब सोच के देखो संविधान सभा में सिर्फ एक ही जाति के लोग होते एक ही धर्म के लोग होते तो इससे समस्याएं खड़ी होती या नहीं होती कि वो जो लोग होते सिर्फ अपने ही फेवर में बातें लिखते तो ऐसा कैसे चल पाता लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ संविधान सभा में जितने भी लोग थे भाई वो हर एक तबके के लोग थे भाई हर धर्म से हर जाति से है ना तो उनके सारे जो विश्वास थे उनसे सीधा सीधा संवाद था भाई क्योंकि हम अपनी जाति से आए हमारी जाति के लोग लोगों को हमेशा परेशान किया गया है समझ में आ गया तो डायरेक्टली जो है जुड़े हुए थे संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है यही यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम समिति को जो व्यक्त करता है जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया ड्राफ्ट तैयार किया गया था जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो सबकी सहमति आम सहमति से किया गया था सब जो है उस पर मतलब जितने भी टोटल लोग थे उन सब ने अपने हस्ताक्षर किए थे सब जो है उस पर सहमत थे कि हाँ भैया बहुत बढ़िया जो है यहां पर हमने संविधान का निर्माण किया है और संविधान में एक चीज सबसे बढ़िया यहां पर बात क्या लिखी है देखो यहां पर पढ़ो कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने की कोई साधन नहीं है मतलब व्यक्तिगत शक्ति की बात उनकी पर्सनल जो पावर है उसको बढ़ाने का कोई साधन नहीं है यहां पर साफ साफ दिखा भाई है ना संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि देखो हम संविधान बना रहे हैं लेकिन सबको ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं उनके कुछ पर्सनल मैटर्स से संबंध मतलब उनके कुछ पर्सनल फायदे जो उनके व्यक्तिगत फायदे हैं उसके लिए संविधान नहीं बना हमारा तो ये बात समझाने में जो है ये लोग सक्षम रहे हमारे संविधान निर्माता थे कुछ देशों ने अपने संविधान पर जो है पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग जो है अपनाए जा रहे थे संविधान के पक्ष विपक्ष में राय देते थे भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत जनमत संग्रह नहीं हुआ मतलब जैसे बात करें कुछ देश ऐसे हैं उन्होंने क्या करवाया भाई पूरा एक जनमत करवाया कि भाई क्या क्या, -क्या चीज मतलब जो जनता थी उससे चुनाव करवाया क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए लेकिन हमारे भारत में जो है ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ लेकिन इसे जो है लोगों की ओर से जो प्रभाव शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं के सहमति और समर्थ पर आधारित था मतलब भारत में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं लेकिन फिर भी लोगों ने इसका समर्थन किया क्यों किया क्योंकि यहां पर जो नेता थे जो जो हमारे संविधान निर्माता थे ये सब कभी ना कभी क्या रहे थे भाई ये राष्ट्रीयता का भाग रहे थे मतलब ये राष्ट्रीय आंदोलन का भाग रहे थे भाई इन्हें पता था देश के बारे में देश के लोगों के बारे में आम जनता के बारे में आम जनता की सहमति के बारे में तो कहीं ना कहीं ये इससे प्रभावित थे मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने उनको प्रावधानों पर जो अमल करने करके उसे अपना जो है अपना लिया अतः संविधान बनाने वालों का जो है प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना सुनिश्चित करता है मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि संविधान जिन्होंने बनाया था जो संविधान के निर्माता थे उनका जो प्रभाव था वो कुछ इस तरह से था कि लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया भाई है ना एक हद तक जो है संविधान की सफलता की जो है संभावना सुनिश्चित करता है अब देखो संविधान के मौलिक प्रावधान क्या क्या मौलिक प्रावधान है फंडामेंटल जो है है वो क्या हमारे संविधान की उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्या क्या भाई प्रावधान है तो एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है मतलब पहली चीज क्या है कि जितने भी हमारे देश में लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का जो है यहाँ पर कारण देता है मतलब हमारे देश में कोई भी हो चाहे वो अंबानी हो चाहे वो झुकी झोपड़ी वाले हो सबको जो है क्या करना है पहले तो संविधान का आदर करना संविधान के अनुसार ही चलना है उससे अलग कोई चल ही नहीं सकता अब क्या है भाई उदाहरण के लिए जो है जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी है, दी गई हो वहां जो है अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें सही बात है 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 मान के चलो कोई भी देश है। है ना वहां वहां पर क्या होगा करेंगे संविधान जो है इस चीज को अलाउ करता है कि उस देश में जिन लोगों की संख्या ज्यादा है जिनको बहुसंख्यक बोला जाता है वो जो है अल्पसंख्यक समूहों का जो उत्पीड़न कर सकते हैं तो ऑब्वियस बात है कि जो अल्पसंख्यक होगा उसके पास कुछ कोई चारा नहीं है अपने आप को बचाने के लिए तो वो उस संविधान का आदर क्यों करेगा लेकिन हम अपने संविधान की बात करें तो भैया हमारे संविधान में साफ साफ बोल रखा है कि भैया कोई बहुसंख्यक को को चाहे अल्पसंख्यक सब बराबर कोई भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न नहीं करेगा तो भाई इससे क्या हुआ इससे भाई चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो ये दोनों ही क्या करते हैं आदर करते हैं संविधान का संविधान के हिसाब से ही चलते हैं ठीक है कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है तो उसे जनता की निष्ठा मिलती है है निष्ठा मिलनी बंद हो जाती यदि कोई समूह यह महसूस करने लगे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा का। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता लेकिन उसे जो लोगों के विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को जो है प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है मतलब कहने का क्या है भाई देखो यहां पर बात हो रही है किसकी समाज की देखो जब समाज में कोई एक वर्ग को पीछे छोड़ दिया जाएगा छोटे मोटे वर्ग पर ध्यान नहीं दे रहे किसी पर्टिकुलर वर्ग पर ध्यान दे रहे हो तो वो वो छोटा मोटा वर्ग होगा संविधान पर विश्वास कैसे करेगा है है ना ये तो बात हो रही है कि आपकी कोई पहचान को दबा रहा है भाई। आपकी जो आइडेंटिटी है उसको दबा रहा है तो उसके पास संविधान को मानने का कोई भी कारण नहीं है है ना कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता मतलब यहां पर बात हो रही है कोई भी बात कर लो कोई भी संविधान जो है खुद से क्या नहीं करता खुद से जो है कोई भी न्याय के आदर्श रूप की स्थापना नहीं करता लेकिन उसे जो है लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है जब वो लोगों को विश्वास दिला देगा तो वहां पर अपने आप ही न्याय की व्यवस्था स्थापित हो जाएगी समझ में आ गया कि वह बुनियादी न्याय को जो है प्राप्त करने के लिए जो है ढांचा उपलब्ध कराता है मतलब अगर आपको विश्वास अपने संविधान पे आज के टाइम पर किसी के साथ भी अन्याय होता है भाई सीधे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ अन्याय होता है आपके मौलिक अधिकारों पर कोई भी आंच आ रही है तो सीधा आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो तो इसका मतलब ये चीज़ लिखी उस संविधान से प्राप्त जो ढांचा है बुनियादी ढांचा जो है वो किस तरीके से उपलब्ध कराया गया आपको समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं नेपाल के संविधान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं संविधान में क्या विवाद था क्या 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 था कैसे निर्माण हुआ उसकी बात कर लेते हैं तो देखो संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है भैया कोई आसान काम नहीं है भैया कोई आसान काम नहीं है बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए इसके लिए है ना नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है नेपाल की हम बात करें तो नेपाल आज एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन नेपाल में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो देखो 1948 के बाद से जो है नेपाल में पांच संविधान बनाए जा चुके हैं मतलब यहां पे देखो पांच वारी मतलब संविधान बदला नहीं गया मतलब यहां पे

वही अब तक चल रहा है संशोधन हुए हैं लेकिन संविधान पूरा का पूरा जो है बदला कभी नहीं गया है ना लेकिन इनके पे पांच बार ही बदला गया तो भाई भाई कहने का मतलब क्या है संविधान बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है 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 ठीक लेकिन ये सभी जो संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए थे है ना अब यहाँ पर कारण क्या बताया गया भाई पांच बार बदला इसका कारण क्या है क्योंकि ये सारे जो संविधान बनाए गए थे वो नेपाल नरेश नरेश का मतलब क्या होता राजा नेपाल का जो राजा था उसके द्वारा प्रदान किए गए थे तो मैंने बताया ना आपको कोई भी अगर एक अलोकप्रिय नेता

राजा ले लेंगे फायदा क्या ये लोकतंत्र भाई ये लोकतंत्र आप बताइए ये कोई लोकतंत्र है ये बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं है ठीक है अब क्या हुआ भाई पिछले वर्षों में जो है नेपाल में सरकार और राजनीति पुनर के पुनर्सना के लिए जो सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतांत्रिक सरकार की जो स्थापना के पक्ष में थे अब यहां पर क्या होगा देखो राजा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम भाई 1990 की बात करें ज्यादातर जो देश लोकतांत्रिक तो यहां पर बहुत सारे ऐसे समूह थे थे जो चाहते कि राजतंत्र नामक चीज ही खत्म हो जाए कोई राजा ही नहीं होगा सब खत्म हो जाए लोकतंत्र पूरा प्रजातांत्रिक होगा पूर, पूरा गणतंत्र गणतंत्र बनाया जाएगा मतलब गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि उस देश का जो मुखिया है वो चुन के आए ठीक है कुछ लोगों का जो है मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा अब पे सुनो कुछ ऐसा मानना था कि पूरी तरह से क्या आना चाहिए पूरी तरह से जो है गणतंत्र सरकार बननी चाहिए मतलब राजा तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल लिमिटेड दो लोग थे भाई, दो अलग अलग समूह थे अलग अलग लोगों का कहना था स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था अपनी शक्तियों को क्यों छीनेगा आपके पास ताकत है आप उस ताकत को छोड़ना चाहोगे नहीं छोड़ना चाहोगे तो राजा भी गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को जो अपना अपने हाथ में ले लिया अब भाई 2002 में इन्होंने तख्ता पलट कर दिया और जो वहां पर सरकार बनी थी नेपाल में उससे जितनी भी शक्तियां थी वो छीन ली और अपने पास कर ली मतलब सारी शक्तियां जो है छीन कर अपने पास ले ली मतलब वहां पर जो पार्टी थी जो चुनाव जीता था उसकी शक्तियां खत्म करके सारी शक्तियां मतलब एक पूरी तरह से जो है एक राजतंत्र का रूप नेपाल ने ले लिया अब क्या हुआ देखो बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे अब यहाँ पर हुआ क्या बात विद्रोह होगा तो यहाँ पर जितने भी संगठन थे जितने भी पार्टियां थी वो क्या कर रहे थे उन्होंने एक नई संविधान सभा की जो है गठन की मांग की मांग भैया ये ये सब हटाओ राजा राजा कोई नहीं है भाई इसने तो बेब बना दिया है ना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी अब यहाँ पे एक नेपाल की पार्टी थी इसका नाम था नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी इसने जो है यहाँ पर क्या किया भाई इसने जो है इस आंदोलन में भाग लिया

1948 में अड़तालीस दो तीन चार पांच और छठवीं बार 2015 में इनका जो है एक नया संविधान जो जो है 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 बनकर तैयार हुआ अब वही संविधान आज तक इनके यहां पर चल रहा ठीक तो आप इस विचार को प्रयोग में लाएं स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे सभी लोग को जो है उनके मानने का जो है एक कारण मिल सके मतलब सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या बोलेगी अब देखो यहां पर यहां पर आंदोलन क्यों हुआ यहां पर आंदोलन क्यों हुए यहां पर पांच बारी जो है संविधान को क्यों बदला गया छठवीं बारी बदल के जो है यहां पर

है ना तो यहां पर भाई देखा बताया गया है कि भाई कोई भी अगर संविधान बन रहा है उसमें सबसे जरूरी चीज कौन सी होनी चाहिए कि उस संविधान को मानने का कारण होना चाहिए आपके पास आज आप क्यों मानते हो कारण आपके साथ कुछ भी गलत होता है आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो तो आपका संविधान जो है आपको बहुत सारे अधिकार देता है तो भाई जिस भी देश में वो संविधान बना है उस देश में हर एक तबके के पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए उस संविधान को मानने का कि हम भैया क्यों माने संविधान को ठीक है कोई संविधान जो है अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है मतलब यहां पर बहुत अच्छी बात बोले गए। कोई भी अगर संविधान है वो अपने नागरिकों को स्वतंत्रता दे रहा है समानता प्रदान कर रहा है तो उस देश में उतनी ही उस संविधान की सफलता की यहां पर बोल सकते हो जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं मोटे तौर पर कहें तो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक एक ना एक ऐसा कारण देता है इसके जिससे जो है उसकी सामान्य रूपरेखा का जो है समर्थन कर सके इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हो रही है कि देखो अब क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और जब अंग्रेजों के गुलाम थे भाई तो अंग्रेजों के टाइम पर हमने आंदोलन किए भाई कितने सारे आंदोलन हुए स्वदेशी आंदोलन हुआ अठारह की क्रांति हुई फिर गांधी जी के आने के बाद अवज्ञा आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसके बाद जाके जो हमें कहीं आजादी मिली ये जो आंदोलन हुआ जिन लोगों ने आंदोलन किया तो इनकी कुछ मांगे थी समझ में आ गया ना इनकी कुछ मांगे थी किससे मांगी थी सरकार से पहली मांग तो यही थी भाई हमारा देश छोड़ के चले जाओ और दूसरी मांग ये थी कि भाई जो जो कमियां हमारे देश में जो जो कमियां उस टाइम पर थी जो जो कुरीतियां हमारे देश में उस टाइम पर थी जैसे बात करें तो हम जातवाद बहुत था भाई है ना जो हमारे देश में दलित लोग थे काफी ज्यादा पिछड़े हुए थे भाई और इनकी काफी बुरी कंडीशन थी औरतों के लिए कुछ भी नहीं था समाज में ऊंच नीच बहुत ज्यादा थी छुआछूत बहुत ज्यादा थी है ना तो कहीं ना कहीं हमारी आकांक्षा थी हमारी एस्पिरेशन थी कि भैया कहीं हम आजाद होने के बाद क्या करेंगे भाई हम आजाद होने के बाद ये सारी चीजें जो है जितनी भी बुरी चीजें हमारे सारे देश से जो बाहर निकलना चाहिए और सारी चीजें हमने किस में डाली है संविधान में डाली है ठीक है चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो कोई भी जो है संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बलबूते नहीं है नहीं बनता भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वह सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति ना होती जिन्हें जो है संविधान में रखा जाना है समझ में आ गया यानी कि आप बोला गया है कि देखो संविधान सभा के बलबूते पर कोई भी संविधान नहीं बनता और हमारी जो संविधान सभा थी उसमें बहुत ज्यादा क्या थी विविधताएं थी विविधता मतलब अलग अलग तरह के लोग थे भाई हर समुदाय से हर जाति से लोग थे तो उनका आपस में हर बात पर तालमेल बिठाना इंपॉसिबल था भाई अरे भैया एक बात बताओ चार लोग बैठे हैं चारों अलग अलग रीजन हैं, चारों अलग क्षेत्र से हैं, चारों का अलग धर्म है चारों की अलग जाति है तो एक बात बताओ कि ये सारे निर्णय लिए जाएंगे उसमें उन सब में क्या जरूरी है कि सब में ही तालमेल बैठे तो ये नियर टू मतलब नियर टू इंपॉसिबल है ऐसा हो ही नहीं सकता तो यही वही बात बोली जा रही है कि विविधतापूर्ण थी वह सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकते थे मतलब एक जैसा ढंग से काम नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ज्यादा क्या थी बहुत ज्यादा विविधता ही थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति होती जिन्हें जो संविधान में रखा जाना था सब है, लाएंगे, धर्म देश बनाएंगे भाई, सब जो है, धर्म है तो ये आम सहमति जब तक नहीं होती तब तक कैसे बनता तो इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी एक तरह से जो है संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूत रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से जो है विरासत में प्राप्त किए थे तभी तो टॉपिक टॉपिक हमारा हमारा क्या क्या भाई राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत अब यहां पर देखो दिक्कत क्या थी हमारा भारत गुलाम था और हमने बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन किए और राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारी मांगे थी वो सबकी कॉमन थी भाई है ना गांधी जी आए गांधी ने बोला भारत छोड़ो भाई गांधी ने असहयोग आंदोलन किया ये सब क्यों कर रहे थे हम क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं आम सहमति पहले से ही बन चुकी थी संविधान सभा बना वो तो बात की बात है वो तो बहुत बात की बात है उन्नीस सौ छियालीस की बात है लेकिन बीसवीं शताब्दी से जब ये आंदोलन शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1930 में में जो है, हुआ, में जो है है आंदोलन आंदोलन शुरू शुरू हुआ हुआ 1942 भारत छोड़ो तो कहीं ना कहीं हमारी आम सहमति पहले से बन बन गई थी ना क्योंकि संविधान सभा में जितने भी लोग थे ये इतनी विविधताएं थी हमारी संविधान सभा में इतने तरह के लोग बैठे थे हमारी संविधान सभा में कि इट्स नियर टू इंपॉसिबल सब जो है एक बात पर राजी हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं हमने पहले से ही तय कर रखा था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम ये काम करेंगे तभी तो लिखा हुआ है कि भाई कोई संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बल यहां पर देखो यहां पर आ जाओ हाँ तो देखो यहां से पढ़ो एक तरह से जो है संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसके उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए मतलब हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन से चीजें प्राप्त की है वो सारी जो चीजें हमने कहा डाली है भाई संविधान में डाली है संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई जो संविधान बनाने के लिए जो प्रासंगिक थे समझ में प्रासिका यानी कि हम बात करें जब संविधान बनने की जब बात हुई है ना और जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो उसमें बात हुई थी कि भैया अगर हम आजाद हो जाते हैं जैसे आप बात करें जो तीस में लाहौर 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 सेशन सेशन हुआ हुआ था कौंग्रेश, कौंग्रेश का हुआ था कांग्रेस कांग्रेस का भाई अधिवेशन हुआ था तो इसमें क्या डिसाइड किया गया कि हम जो है स्वाधीनता दिवस कब मनाएंगे छब्बीस जनवरी को और हमें क्या चाहिए हमें पूर्ण स्वराज चाहिए तो पहले से बातें उठनी लगी थी है ना अंग्रेजों ने बोला था तुम संविधान बना ही नहीं पाओगे और हमने जो है पूरा के पूरा एक संविधान बना के दे दिया था उन्होंने तो यहां पर पहले बातें हो रही थी भाई कि इन केस हमारा देश आजाद हो जाता है तो हम ऐसा संविधान होना चाहिए हमारे देश का कुछ है ना जिसमें हर तबके के इंसान को जो है यहां पर क्या मिले भाई सबको अधिकार मिले ठीक है जैसे भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना मतलब जब भारत आजाद हो जाएगा तो हमारे भारत का की जो सरकार होगी उसका स्वरूप कैसा होगा संघी सरकार बनेगी है ना या फिर एकात्मक सरकार बनेगी यह भी फैसला किया जाना था हमें किन मूल्यों का जो है समर्थन करना चाहिए किन असमानताओं की जो है दूर करना चाहिए तो भैया असमानताओं की हम बात करें तो भैया पहले कितनी असमानताएं थी एस सी वगैरह पता नहीं कितने थे भाई सबको भैया उसके अब जैसे हम आज की बात करें आज तो फिर भी सिचुएशन बहुत ठीक है लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा खराब हालत थी ये जो एक दलित वर्ग था ये बहुत ज्यादा पिछड़ा था कोई पूछता भी नहीं था इन्हें ना कोई रेस्पेक्ट देता था इन्हें जो हमारी समाज की मेल जो मेन जो आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो एक जो मेन स्ट्रीम जो है समाज समाज से इन्हें कैसे जोड़ा जाए वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये जो गरीब लोग हैं इनको समाज से कैसे जोड़ा जाए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था आदि उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान में अंतिम रूप से प्रदान किया गया मतलब ये सारी बहसें कब हुई हैं जब ये राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे और इन सब में जब बहस हुई है यही सारी जो चीजें कहीं ना कहीं संविधान में हमारे झलकती है ठीक है राष्ट्रीय आंदोलन से जो है जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया लाया गया और उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा उन्नीस में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है तो भैया ये जो पूरी जो चीजें हैं जितनी भी हमने चीजें डाली हैं है ना तो ये जो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है उद्देश्य मतलब कोई एम जो होता है कि हमारा जो संविधान बनाया इसका एम क्या है ये सारी जो चीजें हैं ये किसने प्रस्तुत किया था तो उन्नीस में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में जो है यहां पर ये सारी जो चीजें डाली गई थी इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसका नाम से लग रहा ना उद्देश्य प्रस्ताव ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था तो नेहरू जी के द्वारा उन्नीस में और इस इसका उद्देश्य क्या था कि हमें संविधान के ही उद्देश्य बनाने है ना हमें संविधान के जो उद्देश्य है क्या एम है इसका उसको परिभाषित करना है इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था मतलब हमारा संविधान जो होगा कैसा दिखेगा क्या गरीबों के लिए भी संविधान होगा क्या दलितों के लिए भी संविधान होगा क्या सबको बराबर अधिकार मिलेंगे ये सारी जो चीजें हैं इसमें समाहित की गई थी पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और उनका सारंश मतलब जो भी हमने मौलिक अधिकार बनाए हैं जो भी हमारे छह मौलिक अधिकार हैं ये हमने कैसे उठाए हैं भाई तो ये, ये भी सारी जो चीजें हमने किसमें डाल रखी थी भाई ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें डाल रखी थी इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता देखो हमने किसकी बात की जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकारों में हमने समानता की बात की है स्वतंत्रता की बात की है लोकतंत्र संप्रभुता इन सबकी हमने बात करी है भाईचारे से रहेंगे भाई हम अपने देश के जो निर्णय हैं हम खुद ले सकते हैं हमें किसी भी दूसरे तीसरे इंसान की जरूरत नहीं है ये सारी जो चीजें हमारे संविधान में डाली गई हैं और एक सार्वजनिक पहचान मतलब हम एक भारतीय है।, है ना हम एक क्या है एक आइडेंटिटी होती है ना हमारा देश आप आप जब कहीं बाहर जाओगे क्या बोलोगे हम एक भारतीय हैं ये थोड़ा बोलोगे हम यूपी से हैं बिहार से हैं ये बोलोगे हम भारतीय हैं जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं हाँ मतलब संविधान जो होगा यह बनके तक तैयार हो जाएगा उद्देश्य क्या क्या होंगे अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूल भलैया नहीं है बल्कि यह है एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता प्रति 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 है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए शासनों को पूरा करती है मतलब पहले अब जैसे कॉन्क्लूजन निकाले इस पूरे टॉपिक का हम कॉन्क्लूजन निकाले टॉपिक का था हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मतलब हम टॉपिक निकाले तो हमारा भाई संविधान जो है वो ना सिर्फ ये नियमों और प्रक्रियाओं की हम बात करें उनको दिखाता है है ना इसकी भूल भूलैया नहीं है इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रवादी लोग थे इन्होंने क्या किया भाई इन्होंने आंदोलन किए जान भी गवाई अपनी तो इनकी जो आकांक्षाएं थी कहीं ना कहीं वो भी इस संविधान में समाहित है उनकी जो आकांक्षाएं थी वो इस आंदोलन में वो इस संविधान में समाहित थे ना सिर्फ ये नियम कानून की कोई एक बुक नहीं है जो हमारे भारतीय सेनानी थे भारतीय लोग थे इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी की पूरी इस, इस किताब में इस आप बोल सकते हो हमारे संविधान में समाहित थे तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे अगले लास्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम संस्थागत व्यवस्थाएं है।, है ना संस्थागत व्यवस्थाओं को जो है पढ़ लेते हैं क्या है संस्थागत व्यवस्थाएं संस्थाओं को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन तो जितने आप हमारे देश के इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये संसद जो है लोकसभा राज्यसभा ये क्या है संस्थाएं तो हैं इलेक्शन कमीशन जो है हमारा चुनाव आयोग जो है ये ये भी भी एक संस्था है है तो संस्थाएं बनी भाई हमारे संविधान में बनी है भाई है ना ये जो संस्थाएं बनाई गई हैं कहां बनाई गई हैं तो हमारे संविधान में ही तो बनाई गई हैं ठीक है ना तो देखते हैं इसमें तो को संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक है यह कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए जो है प्रतिबद्ध रहे पहली बात क्या है देखो पहली बात बोल रहा संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक क्या है भाई कि सरकार की सभी संस्थाओं को क्या किया जाए सभी संस्थाओं को जो है संतुलित किया संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए किन संस्थाओं की बात हो रही है भैया लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन कमीशन मतलब इनके पास ताकत होनी चाहिए भाई था था इनको अलग इनकी अपने अपने अलग ताकत होनी चाहिए इनके पास पावर्स होनी चाहिए अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सुरक्षित रह सके ठीक है संविधान सभा के हाँ ये दे देखो मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए काम करे प्रतिबद्ध रहे सरकार की बात करें सरकार जो है सबसे पहले किसके लिए काम करेगी जनता के लिए प्रतिबद्ध रहेगी संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका ये क्या है भाई ये हमारी संस्थागत संस्थाएं तो है भाई ये अरे भैया हम बात करें विधायिका की विधायिका का काम क्या होता है कानून बनाना कार्यपालिका का काम क्या होता है उन कानून को लागू करवाना और न्यायपालिका का काम क्या होता है कि अगर उन कानूनों का को कोई उल्लंघन करता है उसको सजा सुनाने किसका काम होता है न्यायपालिका का कहीं कहीं ना ना लगाम भी लगाती है 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 सरकार सरकार पर सरकार कुछ उल्टा सीधा करती है तो है ना, तो इनके बीच जो समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था को जो है और संघात्मक व्यवस्था को जो अपनाया मतलब कहां पर अपनाया आप बोल सकते हो यहां पर संविधान सभा ने क्या किया संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया हमने एकात्मक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया हमने संघात्मक मतलब यहां पर जो राज्य सरकार है और यहां पर जो केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार के पास अपनी ताकतें हैं राज्य सरकार के पास अपनी ताकतें हैं और कोई भी किसी के बीच में जो है क्या नहीं करेगा दखल नहीं करेगा हमारी जो सरकार वो काइंड ऑफ एक आप बोल सकते हो अर्थ संघात्मक है राज्य अपना काम करते हैं केंद्र अपना काम करती है लेकिन राज्य को और केंद्र से आप जोड़ोगे देखोगे मिला के तो यहां पर राज्य केंद्र के पास ज्यादा ताकत है तो ऐसी कुछ व्यवस्था जो हमारे देश में लागू की गई है और हमारे देश के का, के जो संविधान है उसमें लिखा नहीं गया कि भैया हमारे देश में संघी सरकार है आप पूरी संरचना देखोगे सरकार की तो वो लगती है कि कैसी है भाई है ठीक है ना चलिए तो ये सारी जो चीजें वो रखी गई हैं उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु जो भाई उद्देश्य प्रस्ताव था इसके थोड़े प्रमुख बिंदु देख लो ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से इन्हें देख लेते हैं उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा गुड इवनिंग बेटा चलिए देखो क्या क्या उद्देश्य थे इसके इसके देख लेते हैं तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है एक स्वतंत्र है फ्रीडम है हमारे भारत को किसी भी देश का गुलाम नहीं संप्रभुता मतलब संप्रभुता संप्रभुता का मतलब क्या होता है सोवेनिटी बोलते हैं सोवरन इंडिया इज अ अरेन नेशन अब सोवेन का मतलब क्या होता है भाई कि हम जो भी भारत के निर्णय ले रहे हैं उसमें बाहर की ताकतों का जो है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए हम जो है इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से जो है हम भारत के लिए निर्णय ले सकते हैं कोई भारतीय ताकत का जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र को जो हमारे संघ का अंग बन, बनना चाहते हैं का एक जो है संघ होगा मतलब भारत क्या होगा भारत एक बेसिकली जो पहले अंग्रेज जो थे हमारे भारत में थे उनकी जो रियासतें थी है ना उनकी जो आ, क्षेत्र थे और बड़ी बड़ी रियात थी यहाँ पे राजा रजवाड़े रूल किया करते थे ये सारी रियासतें किस में आएंगी भाई भारत में आएंगी हमारे संघ में आएंगी संघ की इकाइयां स्वायत्त स्वायत होंगी और स्वायत्त तो मतलब क्या होता है मतलब जो राज्य वो इंडिपेंडेंट राज्य जो है अपने लिए खुद निर्णय ले सकते हैं केंद्र सरकार जो है उन्हें नहीं बताई क्या करना है और उन सभी शक्तियों का जो है प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघी सरकार को नहीं दी गई है मतलब समझ में आया जैसे यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है केंद्र सरकार के पास अपनी ताकतें हैं राज्य सरकार के पास अपनी ताकतें हैं और यहाँ पर और संघ की जो काया इनके पास अलग ताकतें हैं मतलब संघ जो है केंद्र जो है उसके पास अपनी ताकतें हैं और कोई भी किसी के बीच में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा अब बात कर लेते आगे संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है मतलब यह बहुत अच्छी बात बोलिए कि भाई जो संप्रभु और स्वतंत्र भारत जो है ना और उसका जो संविधान है और उसकी जो समक्ष शक्तियां जो है

तो कार्य करने की, मौलिक की गारंटी सुरक्षा ये सारी गारंटी दी गई है अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यक कौन होते हैं इनकी संख्या कम होती है, है ना अल्पसंख्यक को पूरे पूरे अधिकार दिए पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल जल और आकाश में संप्रभु अधिकारों की जो है रक्षा सब राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी जो भी न्याय लिखे हैं जो भी कानून वगैरह लिखे हैं उसके अनुसार हो गए विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश पूर्वक और पूर्व पूर्ण योगदान करेगा मतलब विश्व शांति के लिए मानव के कल्याण के लिए हमारा देश जो होगा क्या करेगा पूर्ण जो है योगदान देगा तो ये सब कहा लिखा गया भाई ये सब जो है हमारे अब हो सकते हो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया है चलिए अगर हम बात करें संविधान सभा के कामकाज की शैली संविधान सभा के कामकाज की शैली कि किस तरह से जो संविधान सभा थी कब बनी भाई उन्नीस में और जब संविधान सभा बनी तो उसके काम करने का तरीका क्या था क्या प्रणाली थी क्या सिस्टम क्या था उसके काम करने का उसकी थोड़ी सी जो है हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं कि भाई जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ ठीक है अब संविधान सभा तो बन गई उसमें लोग भी थे और उसको भारतीय जनता द्वारा चुना तो नहीं गया था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनकर आई थी हमारी संविधान सभा बड़े ही पढ़े लिखे लोग थे वहां पर भाई ज्यादातर वकील थे भाई अगर हम बात करें है ना जिनको कानून की बहुत अच्छी नॉलेज थी बहुत अच्छा ज्ञान था तो इसके काम करने का तरीका क्या था सिस्टम क्या था उसके बारे में जो है थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है ना चलिए संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही है मतलब पूरी बात नहीं हो रही पूर्ण रूप से मतलब संविधान सभा की हम बात करें संविधान सभा में जो सिस्टम था और उनकी जो सत्ता थी संविधान सभा की वो केवल सिर्फ केवल ना केवल इस बात पे थोड़ा ना चल रही थी कि भाई कि वही वो सबका प्रतिनिधित्व कर रही है संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श के जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान का जो है स्वभाव के लोकप्रिय सत्ता का आधार छुपा हुआ था आप बोल सकते हो कि भाई देखो संविधान सभा सबका प्रतिनिधित्व कर रही है वो तो एक बात है मतलब हर तबके का इंसान उधर बैठा हुआ है संविधान सभा में हर धर्म का हर जाति का पिछड़े से पिछड़े वर्ग का जो इंसान है बैठा हुआ है सबका प्रतिनिधित्व कर रही है भाई सबका प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप बोल सकते हो सबको रिप्रेजेंट कर रही है संविधान सभा जो है और यहां पर लिखा क्या गया है कि संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी मतलब हम बात करें प्रतिनिधित्व तो एक चीज है भाई एक चीज है सिर्फ इसी बात पर जो है संविधान सभा नहीं टिकी थी कि सबका प्रतिनिधित्व कर रही है बल्कि यहां पर बोला जा रहा है कि संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श कि जड़ में छुपे मूल्यों की ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था मतलब जो लोग बैठे हुए थे संविधान में उनकी जो भी जो भी उनके विचार थे किसी भी कानून को लेके किसी भी चीज को लेके भाई सबके अपने अपने विचार होते हैं भाई संविधान सभा बनाई किस लिए गई थी कि सब मिलकर क्या बनाएंगे संविधान बनाएंगे अब ये जो संविधान सभा थी हर किसी नागरिक को किसी ना किसी तबके को जो है यहां पर उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी लेकिन यहां पर जो लोग बैठे हुए थे जो प्रक्रिया थी जो भी कानून वगैरह बनाए जा रहे थे जो भी वहां पे सदस्य लोग बैठे हुए थे वो हर चीज पर जो है विचार विमर्श कर रहे थे और उनकी जड़े जो है ना उस संविधान में छुपी हुई है, भाई। है ना जो भी आप सोच रहे हो भाई तो डालोगे आप भाई है ना जो भी आपने कर, जो भी भी आपने सोचा आपने और वही आपने क्या डाल दिया संविधान में डाल दिया और वो जो चीजें संविधान में झलकते हैं कहीं ना कहीं है ना तो वही बात हो रही है कि संविधान बनाने के लिए अपना ये प्रक्रिया सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों की ही संविधान में जो मतलब आप बोल सकते हो एक वो आधार है उस चीज का है ना कि उनके जो मूल्य हैं उनके जो चीज के मूल की बात हो रही है यहां पर यहां पर उनके जो विचार है भाई डिबेट डिस्कशन वगैरह होता होगा बहसें होती होंगी उसके बाद जो है वो चीजें जो है आप संविधान में डालते होगी ठीक है ना अब देखो आगे जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी वही है भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधि करें मतलब यहां पर क्या बात है है देखो ठीक एक चीज यह होगी यहां पर कि यहां पर जो भी लोग अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन वो जो लोग अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सिर्फ जो है सेल्फिश नहीं होने चाहिए मतलब ही नहीं होने चाहिए कि उनके उनके मतलब उनके लिए ही काम हो उनके उनके समुदाय के लिए ही अच्छे अच्छे काम हो उनको जो है इस बात पे सेल्फिश नहीं होना चाहिए मतलब यहां पे ये बोला जा रहा है कि ठीक है संविधान सभा चुनी गई संविधान सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे भाई सब अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे लेकिन यहां पर एक चीज ये भी है गौर फरमाने वाली कि जितने भी लोग अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो जो लोग थे वो ना सिर्फ अपने समुदाय का प्लस सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे थे मतलब कोई भी ऐसा कानून नियम वगैरह ना लिखा जाए जो ऐसा हो कि वो किसी समुदाय के खिलाफ हो या उसके फेवर में हो मतलब यहाँ पर जो जो भी निर्णय लिए जाएंगे जो भी कानून कायदे बनाए जाएंगे वो सबके लिए बराबर होंगे समझ में आ गया तो वही बात हो रही है यहाँ पर देखो दोबारा से पढ़ो कि देखो यहां पर था हाँ जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए जो है वांछनी है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागियों अलग अलग वर्ग जो है वहां पर क्या कर रहे हैं भाई सहभागी मतलब भाग ले रहे हैं और वे केवल अपनी पहचान का जो है समुदाय का ही प्रतिनिधित्व ना करें मतलब सिर्फ अपनी पहचान या फिर अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं वो गलत बात है आपको देखो आप अपने समुदाय से आए वो अच्छी बात है लेकिन आपको सबको साथ में लेके चलना होगा संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर जो है विचार विमर्श किया समझ में आ गया भले ही वो जो संविधान सभा थी वो अलग अलग समुदायों को अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रही थी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहां पर सबसे सोचने वाली बात क्या है कि यहां पर जो भी लोग बैठे थे उन्होंने सबके हित में रख, ध्यान में रखते हुए है ना सबका हित जो है ध्यान में रखते हुए यहां पर सारे निर्णय लिए हैं सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर जो है शायद को ही कोई मतभेद हुआ हो सबसे अच्छी बात बोली गई है मतलब देखो जब भी आप कोई बहुत बड़ा निर्णय लेते हो तो ऑब्वियसली बात है अगर दस लोगों का ग्रुप है तो आपस में लड़ाई हो जाती है आपस में लड़ाई तो होती है भाई है ना बहुत नॉर्मल है है ना जैसे कोई भी चीज का डिस्कशन हो रहा है निर्णय ले रहे हो तो डिबेट होती है भाई कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि देखो ये देखो ये जो मतभेद है ये होना आम बात होगी शायद भैया दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन लग गए संविधान को बनने में ऐसा तो होगा नहीं कि भैया कभी बहस नहीं बहस ना हुई हो या लड़ाई ना हुई हो लेकिन यहां पे ये बोला जा रहा है शायद इस बात पे कभी कभी भी मतभेद नहीं होंगे किस बात पर कि भैया हम जो है अपने हितों का ध्यान रखेंगे है ना और बातों को लेके मतभेद हो सकते हैं भाई कुछ और बात को लेके मतभेद हो गए लेकिन शायद ही इस बात को लेकर मतभेद हुए हो कि भाई वहां के जो सदस्य हैं वो सिर्फ अपने हितों के बारे में सोच रहे हैं अपने समुदाय के हितों के बारे में सोच रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात थी हमारे संविधान सभा के बारे में तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बेटा डाडी जो है गायब हो गया हमारा अब नहीं आएगा डाडी क्लीन करवा ली ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे है ना और हाँ ये जो मतभेद जो भी हुए थे ये किस आधार पर थे कि भैया जो संविधान में आप बना रहे हो ये वैध है या नहीं है <coughs> इसका आधार क्या है इस पर हुए होंगे हालांकि संविधान सभा ने अनेक मतभेद थे भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होता भाई कि हमारे देश में केंद्रीय सरकार मतलब जो होता है ना एकात्मक एक सरकार होनी चाहिए या या संघीय सरकार होनी चाहिए मतलब एक सरकार सिर्फ एक केंद्रीय सरकार जो सिर्फ एक पूरे देश को संभालेगी या फिर विकेंद्रीकरण होना चाहिए यानी विकेंद्रीकरण मतलब संघीय सरकार होनी चाहिए जो सत्ता है उसको बंटवारा होना चाहिए तो इस पर थोड़ा सा लोग बट गए थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्रीकरण होना चाहिए कुछ लोग कह रहे थे विकेंद्रीकरण होना चाहिए केंद्रीकरण में मतलब सत्ता जो है एक के हाथ में होगी विकेंद्रीकरण में सत्ता को आप बांट दोगे है ना राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए तो इसको लेकर मतभेद मतलब यहां पर देख रहे हो ना यहां पर वैध सिद्धांतिक जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, इनको लेके मतभेद हो सकते हैं भाई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप कह रहे हो कि आपने हिंदुओं के लिए ये कर दिया मुस्लिमों के लिए कुछ किया ही नहीं इसको लेके मतभेद नहीं हो रहे मतभेद किस चीज को लेके हो रहे हैं तो भाई यहां पर वैध सिद्धांतिक आधार जो है कि भैया जो चीजें चलेंगी देश आगे बढ़ेगा तो उससे संबंधित जो चीजें हैं उससे संबंधित जो यहां पर थोड़े सा यहाँ पर मतभेद हुए थे है ना जैसे कि भाई न्यायपालिका के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए क्या संविधान को जो संपत्ति के आधार की रक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तो यह बहुत बड़ा डिबेटेबल ऑप्शन था पर बाद में पहले तो ये क्या था भाई पहले तो ये आपका मौलिक अधिकार था फंडामेंटल राइट्स थे बाद में इसको जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया लीगल राइट्स मतलब ऐसा आप जो है डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते ठीक है ये था पहले ये तो एक फंडामेंटल राइट कौन सा संशोधन हुआ, में हुआ था, है उन मतलब जो देश आधुनिक जिस पर वो टिका हुआ है इन सब पे जो है बहस हो चुकी है संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था मतलब यहां पर देखो लिखा गया है देखो जितने भी प्रावधान है शायद ही मतलब सब पे बहस हुई है अरे देखो एक बात बताओ इतने सारे लोग सौ लोग हैं दो सौ लोग हैं तीन सौ लोग हैं चार सौ लोग हैं तो जितने लोग हैं उतनी ज्यादा क्या होंगी अपनी अपनी राय होंगी सब अपना ज्ञान देते हैं तो यहां पर बोला जा रहा है संविधान में शायद ही ऐसा कोई प्रावधान हो शायद ही ऐसा कोई नियम कानून हो जिसपे बहस ना हुई हो सब पे बहस हुई है लेकिन एक शायद एक को छोड़ कौन सा था भाई सार्वभौमिक मताधिकार प्रावधान जो है सार्वभौमिक मताधिकार मतलब यहां पर अठारह अठारह साल से ऊपर के जो बच्चे हैं

तो ये जो सिस्टम डाला गया था इस पर कोई भी क्या नहीं होता था इस पर कोई भी डिबेट या फिर डिस्कशन नहीं हुआ था कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ था है ना कि भैया जितने भी हमारे देश में व्यस्क लोग हैं अब व्यस्क लोग की डेफिनेशन क्या है तो स्टार्टिंग में 21 साल थी 21 प्लस होना चाहिए 21 21 या से ऊपर और बाद में जो घटाकर 18 18 प्लस कर दिया गया अब आपका एक होमवर्क है कौन सा संशोधन किया गया था संविधान में किस से घटाकर अठारह कर दिया गया आपको कॉमेंट से बताना है कि कौन सा संशोधन किया गया था कौन सा जो है संशोधन किया गया था संविधान में

सार्वभौमिक मताधिकार को अगर छोड़ दें तो सब पे जो है जमकर क्या हुआ है भाई जमकर जो है, हुआ है। इस सभा के इस सभा के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जो है निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप और, और कहीं नहीं हो सकता संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिलती मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का जो है काम कर रहे थे है ना अगर हम बात करें संविधान सभा की तो संविधान सभा बैठी किस लिए थी कि भैया हम देश का संविधान बनाएंगे और सबके हितों के लिए काम करेंगे तो सबसे बड़ी ताकत तो यही थी इनके पास में इसके सदस्यों ने चर्चा और तार्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया तभी तो इतना अच्छा संविधान है भाई बहस हुई है और बहस क्यों हुई है ताकि सबको जो है पर कोई पीछे ना रह जाए सबको जो है बराबर अधिकार मिले कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए इसी पर तो बहस हुई है तो यहां पर आप बोल सकते हो तभी तो जो प्रोडक्ट निकल के आया है वही मेहनत के साथ निकल के आया है एक एक प्रावधान पर जो है खुलकर बहस हुई खुलकर चर्चा चर्चा हुई है वाद विवाद भी, भी हुआ है तभी जाकर जो एक अच्छा संविधान जो हमारे देश का तैयार हो पाया उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों की कुछ सैद्धांतिक सैद्धांतिक कारण दिए अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ यहां संकीर्णता से ऊपर उठा देता है समझ में आ गया यहां पर बहुत अच्छी बात बोली गई देखो दोबारा से पढ़ो कि अपनी सोच के पक्ष में दूसरों से तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ यहां संकीर्णता के ऊपर उठा देता है मतलब यहां पे आप देखो जैसे हम सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं जैसे हम बात करें जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी प्रारूप समिति जो बनी थी संविधान की इसका चेयरमैन कौन थे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अब सोच के देखो वो इंसान कितना बड़ा रहा होगा वो इंसान खुद एक दलित था भाई खुद जो है इतनी परेशानियों में हम मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई किसी की जीवनी पढ़ो ना ना पढ़ो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी जरूर पढ़ो उनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ो उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली ना जो तुम्हारे जितने बहाने हैं ये सब दूर हो जाएंगे उस इंसान ने जितना स्ट्रगल किया है मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा ठीक है जब तुम्हारे जब तुम्हें प्यास लगी है, कोई तुम्हें जो है बर्तन छूने नहीं दे रहा ऊपर से पानी डाल रहा है तो तुम्हें कैसा लगेगा सोच के देखो उस इंसान ने वैसी जिंदगी जी लेकिन फिर भी इतनी मुसीबतें होने के बाद भी वो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के जनक बोले जाते हैं और सोच के देखो जिस इंसान के साथ इतना गलत हुआ उस इंसान ने बिल्कुल भी सेल्फिशनेस बिल्कुल भी मतलब ही नहीं बना कि हमने अपने कम्युनिटी के लिए भलाई के लिए करें कुछ भाई उसने सबको ध्यान में रखा सबको हर एक तबके को उसने ध्यान में रखा कहने को वो होगा, उस का, ना? तो यहां पर आपको यह बात देखनी पड़ेगी संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित हुई और यह अनुच्छेद को लेकर जो है जैसी विस्तृत और बारीकी से जो बातचीत हुई मतलब हर चीज को लेकर काफी ज्यादा जो यहाँ पर बातचीत हुई वह सार्वजनिक वेग की जो है भावना को सबसे प्रमाणित ढंग से सामने लाती है यह बह, बहस है भी जो है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्ययनों में से एक है मतलब जो बहसें वगैरह हुई हैं ये भी प्रकाशित हुई है चर्चाएं हुई हैं है, तो जैसे भैया फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हो आप अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ते हो आप वैसे ही हम बात करें तो यहां पर वैसे आपको यहां पर देखना चाहिए कि ये जो हमारा जो संविधान बना तो उस दौरान जो बहसें हुई जो चर्चाएं हुई ये भी एक ऐतिहासिक चर्चाएं हैं ठीक है ना ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं किसके बारे में कार्य विधि कार के बारे में बात कर लेते हैं कार्य करने का जो तरीका है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो संविधान सभा की जो है सामान्य कार्यविधि में ही सार्वजनिक विवेक का जो है महत्व स्पष्ट दिखाई देता है विवेक का मतलब क्या होता है बुद्धि है ना जो दिमाग है बुद्धि है तो आप देखोगे कि हमारे संविधान सभा में जो कार्यविधि है मतलब कार्य मतलब कार्यविधि मतलब कार्य करने का तरीका तो कार्य विधि जो है यहाँ पर एक विवेक दिखाई देता है मतलब अच्छे से बुद्धिमान तरीके से जो जहाँ पर

तो वो कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई तुम्हारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना आम तौर पर जो है जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, भीमराव अंबेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे थे मतलब जो प्रमुख नेता थे आगे चल के कोई राष्ट्रपति बना कोई गृह मंत्री बना कोई विदेश मंत्री बना ये सारे है ना तो ये सारे जो लोग थे जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल बी आर अम्बेडकर इन कमेटियों की जो अध्यक्षता कर रहे थे ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर जो है एक दूसरे के समान नहीं थे और ये ऐसे लोग थे भैया ये आपस में क्या थे भाई इनके आपस में ही वाद विवाद हो जाते थे मतलब वाद विवाद का मतलब डिबेट वगैरह बहस वगैरह हो जाया करती थी इनके विचार जो मिलते नहीं थे जैसे हम बात करें अंबेडकर की है ना तो अंबेडकर की हम बात करें तो अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे भाई है ना बिल्कुल भी जो अंबेडकर की जो सोच थी और जो उनके विचार थे वो गांधी जी से या फिर कांग्रेस से मेल नहीं खाते थे आप कहने को तो भैया हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्हें जितनी नॉलेज थी शायद ही पूरे हम बताएं संविधान सभा में किसी को होगी जितनी ज़्यादा डिग्रियां इस इंसान के पास थी उतनी किसी के पास नहीं होंगी है ना तो देखो अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर जो है अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए जो पर्याप्त काम ना करने का जो आरोप लगाते थे, थे। कि भैया तुमने तुमने क्या किया जो जो है जो अनुसूचित जाति है जो ऐसी एस टीज वगैरा है जिनके साथ हमेशा गलत हुआ है उनके लिए तुमने जो उनके भले के लिए जो है ज्यादा काम नहीं किया जैसे आप भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें जब क्या हुआ 1930 में जब गांधी जी ने सवेन अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो यहां पे देखा गया कि दलितों का साथ किसी ने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी नाराज नहीं करना चाहती थी ऊंचे हिंदुओं को

लड़ाई नहीं हुई भाई एक साथ काम किया प्रत्येक कमेटी के आमतौर पर संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का जो प्रारूप तैयार किया है और हम बात करें हर एक कमेटी की आठों कमेटी अगर हम बात करें तो जितने भी प्रारूप है जितने भी प्रावधान है वो सबने कुछ कुछ मिलकर जो है उसका प्रारूप पूरा जो है ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई और ये एक दो ड्राफ्ट होता है ड्राफ्ट क्या होता है मतलब तुमने मोटा मोटा तैयार कर दिया अब जब मोटा मोटा तुमने पूरा तैयार कर दिया इस पर चर्चा होगी जो भी कमियां है या फिर कुछ भी ऐड करना है वो किया जाएगा भाई है ना तो जैसे पूरा जो संविधान के जो प्रावधान है जो भी रेगुलेशंस uh, रेगुलेशन जो भी नियम कानून है उसका पहला चिट्ठा तैयार किया गया है ना? पूरा प्रारूप किया गया कि सबको चर्चा हुई बहस हुई क्या चीजें रखनी चाहिए क्या ये जो प्रावधान है हमारे देश के लिए सुइटेबल है या नहीं है तो ये सारी चीजें हुई है ना तो जिन पर जो है बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई आमतौर पर यह प्रयास जो है किया गया कि फैसले आम राय से हो और ये सबसे अच्छी बात क्या है भाई फैसला ऐसा होना चाहिए आम आम राज्य से मतलब ऐसा नहीं है कि भैया एक बंदा राजी है दस राजी नहीं है तो एक बंदे की बात मान ली जाएगी जिसने राजी बोल दिया कि जो आम सहमति से हो आम सहमति मतलब भाई जितने भी लोग हैं हर एक तबके से आए हैं उनकी सहमति होनी चाहिए और कोई भी प्रावधान जो है किसी खास समूह के पक्ष में ना हो यह भी देखा गया भाई कि कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी एक समूह के अंदर में तो आप देखोगे भाई हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है सेक्युलर कंट्री बोला जाता है भाई सब धर्मों को जो है बराबर यहां पर आजादी है ठीक है तो कई प्रावधानों पर जो है निर्णय मत विभाजन कर लिए तो कई प्रावधानों पर मत विवाजन भी गए। मत विवाजन वही। सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर जो है लोग बट गए संविधान सभा में समझ में आया बहुत सारे प्रावधान जो तैयार किए गए थे उस पर ऐसे प्रावधान भी थे जिसमें लोग जो है संविधान सभा के लोग बट गए लेकिन उस केस में क्या हुआ भाई में वोटिंग हुई देखते हैं

आम लोगों के लिए जो है खुले हुए थे मतलब जो भी मीटिंग वगैरह होती थी क्या निर्णय लिया गया वो सारी जो चीजें हैं वो आम लोगों के लिए खुली गई आम लोगों के लिए जो यहां पर अखबार में पब्लिश की जाती थी छापी जाती थी और लोग पढ़ते थे जो पढ़े लिखे लोग हैं तो दो साल ग्यारह महीना अठारह दिन जो है पूरा लग गया संविधान को बनने में ठीक है चलिए राष्ट्रीय आंदोलन का विरासत है ना राष्ट्रीय आंदोलन ये जो टॉपिक है हम बेटा अगली क्लास में जो है क्लियर कर लेंगे ये वाला जो टॉपिक है बाकी आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आज के लिए थोड़ा सा हम इतना ही रखते हैं ठीक है क्लियर इतना क्लियर है फटाफट से बताओ हाँ या ना जल्दी से चले तो भाई एंड करते हैं इस क्लास को और अब अगली क्लास में कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को जो है फिनिश कर दें ठीक है चलिए गुड बाय